Hello students, so welcome to the session, all of you. Jaldi se confirm karwa dijiye students. आप सभी लोग आ गए. अब स्टूडेंट्स एनडीएस का करना है प्लस हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है. ये दो क्वेश्चन जो होगा वो हम अब सॉल्व करेंगे, एक एनडीएस को लेके फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिवली जो होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट ये मैथ का कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए. होपफुली सभी लोग आ चुके हैं, ऑल ऑफ यू. एक बार जल्दी से कन्फर्म करवाना चालू कर दो, देन वी कैन स्टार्ट विद दिस. जल्दी से कंफर्म आप कराएंगे. स्टूडेंट्स अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वी विल स्टार्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स. आइए अब फ्रेंड्स यहां पे वी विल लुक इनटू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर टाइम मिले तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम थोड़ा सा बहुत वो भी जो ये था अपना ट्रस्ट का उसका भी मैं आपको एक छोटे केस स्टडी को ये अभी बना के या फिर संडे की क्लास में वी विल लुक अपॉन टू द थ्री केस स्टडी जो मैंने बताया था. एक तो मैट एंड पेनाल्टी, मैट एंड एम फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और ये वाला जो पर्टिकुलर आज जो सबसे पहला एडजस्टमेंट किया था. ठीक है, अब पहले आ जाते हैं इसमें. ऑल ऑफ यू विल कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इंडिया से के एडजस्टमेंट पे आइएगा. पॉइंट नंबर 10, इसका भी अपना एक बैकग्राउंड है, तो पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं. इंडेस का भी अपना एक बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी मे हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. तुली का वो तो आज नहीं करेंगे ना. अगर वो जो आप बोल रहे हैं इनकॉर्पोरेटिंग रूल 8, इनकॉर्पोरेटिंग रूल 8 मतलब कि आप कह रहे हैं इनकॉर्पोरेटिंग रूल 8 का तो 33AB की बात कर रहे हैं, 33AB की ही बात हो रही है ना. तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में हो, टेलीग्राम चैनल में अगर आप हो रूल 8 के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर मैं आप लोगों को एक रूल 8 का एक एक चाय लिमिटेड का क्वेश्चन है वो अगर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपने सतारा का उसमें डाल के दे दूंगा. उसमें वो फुल फ्लेजेडली कॉम्पिटिशन ऑफ द टोटल इनकम का है क्वेश्चन, तो आई कैन गिव इट टू यू वन पर्टिकुलर Q&A उसमें मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, अगर आप वो चैनल में हैं तो मैं ऋषिकेश जी के थ्रू से वो क्वेश्चन आप लोगों को दिलवा देता हूँ. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें अभी. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर देयर. तो इन डेज का एडजस्टमेंट्स को लेके पहले तो ध्यान रखें कि क्या करना है. वही थीम स्टूडेंट जो हमने रखी थी, याद करो क्या थीम था हमारा, कि भाई आप सभी लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि इंडेस का एडजस्टमेंट आपको अब पता ही था. मैंने पहले पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने ये डिस्कशन किया हुआ था. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट
मैं टेलीग्राम चैनल में ही भेज दूंगा स्टूडेंट्स सभी लोगों को, वो क्वेश्चन मैं विथ सॉल्यूशन मैं आप लोगों को उसमें दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ऐसे डाल के आप लोग बस देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल आप इसमें फोकस करें। तो इंडेक्स का एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि ये दो टाइप की कंपनी है, थोड़ा सा फोकस करना। हमने स्टूडेंट्स देखा था पहले पार्ट में जब हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ये था फोकस पॉइंट की देर हैज टू बी अ कॉन्ग्रुएंस, जो बराबरी होनी चाहिए। तो तभी हमने फोकस किया था बराबरी किस में होनी चाहिए, बिटवीन द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ एंड एज कम्पेयर टू द बुक प्रॉफिट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल प्रोविजन में जो सिचुएशन बना हुआ था उसी के मुताबिक बुक प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट ली जा रही थी। ये हमने कुछ एडजस्टमेंट देखे थे इन पार्ट ए ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। अब यहां पर भी जो हम इंड एज का एडजस्टमेंट अभी देखने जा रहे हैं, यहां पर भी इंड एज का जो एडजस्टमेंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट क्या होगा कि इंड एज के एडजस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आप नोटिस करना आज की तारीख में देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी विच इज देयर इन एग्जिस्टेंस। दो टाइप की कंपनी जो आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में है, वो दो टाइप की कंपनी कौन सी है? एक वो कंपनी जो क्या है इंडेस फॉलो करना उसके लिए मैंडेटरी होगा, और एक दूसरी कंपनी जिसे इंडेस फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, विच वन विच इज सब्जेक्ट टू द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू फॉलो इंडेस, एंड सेकेंड कंपनी जिसको इंडेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप नोटिस करना कि दोनों में अब क्या है डिफ्रेंसिएशन आ गया है, और ये जो एडजस्टमेंट हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मकसद क्या है, दोनों में बराबरी लाना। जो अभी जो हम करने जा रहे हैं उनका जो मेन मकसद है वो क्या है, दोनों में क्या करना है, बराबरी लेकर आना है, और यही रीजन है कि ये इंडेक्स की एडजस्टमेंट की जाएगी। तो एग्जैक्टली ये एडजस्टमेंट क्या होगा नोटिस करना, जैसे बताया गया था कि इंडेक्स वाली जो कंपनी होगी उन्हें फेयर वैल्यू के हिसाब से, उन्हें फेयर वैल्यू के हिसाब से क्या करना होगा, दे विल हैव टू डिटरमाइन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल, वो उसी हिसाब से लाएंगे, और फिर उनकी बैलेंस शीट में जो एसेट्स भी जो होंगी वो फेयर वैल्यू के हिसाब से रिपोर्ट की जाएंगी। उसका सेकेंड इफेक्ट का इम्पैक्ट उनके फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है, यही होगा इजंट इट। सो देयरफॉर उनकी प्रॉफिट तो बढ़ जाएगी, उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बढ़ जाएगी। किन की बात कर रहा हूं मैं, वो कंपनी जिन पे इंडेस मैंडेटरी है, एज कंपेयर टू वो कंपनी जिसको इंडेस एप्लीकेबल नहीं होगा, उन्हें तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या उन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या उन्हें कोई फेयर वैल्यू का इंपैक्ट दिखाना है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उनका तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहा है, तो उसकी वजह से उनका कोई नेट प्रॉफिट के अंदर कोई फेयर वैल्यू का इफेक्ट तो आएगा नहीं। और इसी वजह से आप नोटिस करना इंडेस वाली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर्टिफिशियली बहुत बढ़ जाएगा, इंडेस वाली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर्टिफिशियली बहुत बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू अ नॉन इंडेस कंपनी जिसकी प्रॉफिट एंड लॉस जो रहेगी रिलेटिवली कम रहेगी, लोअर रहेगी। और अगर ये बात है तो आपको तो पता ही है कि 115JB में जो बुक प्रॉफिट का जो बेस अमाउंट है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो बुक प्रॉफिट का जो बेस अमाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो फिर इंड एस कंपनी का, इंड एस कंपनी की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कि वो हायर प्रॉफिट में क्या होगा, बुकिंग होगी उसकी, और हायर बुक प्रॉफिट उसका बनेगा एज कम्पेयर टू अ नॉन इंडेस कंपनी जिसकी नेट प्रॉफिट जो है वो कम है, तो कॉन्सिक्वेंशली बुक प्रॉफिट भी तो कम होगा। और इस वजह से आप खुद ही देख सकते हो कि बेचारा एक जो इंडेस फॉलो कर रहा है कंपनी उसकी मैट लायबिलिटी आर्टिफिशियली बढ़ गई है एज कम्पेयर टू अ नॉन इंडेस कंपनी जिसकी मैट की लायबिलिटी रिलेटिवली कम रहेगी। और इसी वजह से दोनों में बराबरी करने के लिए, दोनों में क्या बराबरी करने के लिए ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट डाले गए हैं। सो व्हाट इज दिस अमेंडमेंट ऑल अबाउट, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे अमेंडमेंट डाले गए हैं ताकि क्या हो जाए कि दोनों के बीच में बराबरी हो जाए। तो वो जो इंडेस वाली जो कंपनी है जिसकी प्रॉफिट आर्टिफिशियली बढ़ गई थी, उसको काफी हद तक इस एडजस्टमेंट द्वारा उसकी प्रॉफिट कम करने की कोशिश की गई है, सो दैट जो आर्टिफिशियल जो प्रॉफिट बढ़ाया गया है बिकॉज ऑफ द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, वो रिलेटिव वो उन्होंने कम कर दिया है इस एडजस्टमेंट के द्वारा। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं व्हाट दिस एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट। आइए स्टूडेंट्स, लेट्स हैव लुक। पॉइंट नंबर वन, आइटम्स इन OCI इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आइटम्स इन OCI इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये OCI आप
इन डेज वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा, या अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि ओसीआई स्टेटमेंट बनाना पड़ता है सारे इन डेज कंपनी को, तो उसके दो भाग होते हैं। पार्ट एक ए होता है जो कि वो ओसीआई के स्टेटमेंट जो पीएनएल के अंदर शामिल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शामिल होता है, और वो पार्ट बी जो कह सकते हैं या बिलो द लाइन हम जो कहते हैं उसको, वो अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा नहीं बनता। तो हमें प्राइमरी क्या करना है, वो आइटम जो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बन गया उसकी तो हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन वो आइटम आइटम्स इन ओसीआई इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अंडर द हेड आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आइटम जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिक्लासिफाई नहीं करना है, वो बोला गया कि उसमें हमें ऐड और लेस करना है। क्या ऐड और क्या लेस करेंगे? तो ऐड आप करेंगे द अमाउंट व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड टू द ओसीआई, जो ओसीआई में क्रेडिट है वो पूरा ऐड कर लो, जो ओसीआई में डेबिट है उसको रिड्यूस कर लो। अब आप बोलोगे सर अगर ओसीआई में सारे ऐड और सारे लेस करना है जो कि आपने फेयर वैल्यू अकाउंटिंग की इफेक्ट दी है, उसके सारे क्रेडिट के ऐड करवा देने हैं और उसके सारे डेबिट के लेस करवा देने हैं, तब तो आपने आर्टिफिशियली क्या कर दिया है, अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन किया है, और फिर आप बुक प्रॉफिट को क्या करोगे, उस पर मैट लगवा दोगे। तो कहाँ पे ये इसका इफेक्ट हुआ जो आप कह रहे थे? रुक जाइए जरा नोट पढ़िए क्या लिखा है इस नोट के अंदर। तो बात सही है कि जो आपने नेट प्रॉफिट लाया है उसमें वो ओसीआई के क्रेडिट्स विच इज नॉट रिक्लासिफाइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्रेडिट को आपको ऐड करने हैं और उसके करस्पॉन्डिंग डेबिट को आपको लेस करने हैं, बात सही है। लेकिन लेकिन क्या, इन सारे केसेस को छोड़ के जो कि आपको नोट में दिए गए, तो वो कौन से हैं केसेस जिसको आपको नोट में दिए गए? लेट्स रीड दिस वन आउट। नोट, नो ऐड और लेस ऑफ द आइटम्स शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, रिवैल्यूएशन फॉर एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट नंबर ए रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट, और पॉइंट नंबर बी गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अनलेस अनलेस व्हाट, अनलेस द एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इज रिटायर्ड, जब तक हमने उसे बेचा नहीं होगा डिस्पोज और रियलाइज, तब तक क्या है उसको हमें क्या नहीं करना है, प्रॉफिट में कैप्चर नहीं करना है, तब तक हमें उसे प्रॉफिट में कैप्चर नहीं करना है। तो भले ही आपके अकाउंटिंग में तो आया होगा, लेकिन जब बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप करें तो उस सिचुएशन में हमने वो एसेट के कॉन्टेक्स्ट में, एसेट के कॉन्टेक्स्ट में या फिर क्या, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर वन एसेट, पॉइंट नंबर टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी, इनको हमें कंसिडर नहीं करना है। कब तक? जब तक वो उसको एक्चुअली हम उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर लेते हैं तब तक, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये जो एसेट है ना, आप बोलोगे सर ये एसेट के अंदर क्या आता है, तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। ये एसेट वाला ना इंडेस वाले एसेट्स है, अगर आप देखोगे ये एसेट्स में जो बोले गए हैं ये सारे इंडेस वाले एसेट्स है। इंडेस यानी का जो रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे आपको, जो इंडेस का जो रेफरेंस दिया गया है, इस इंडेस के कॉन्टेक्स्ट में लगभग सारे ही एसेट आ जाते हैं, मैक्सिमम वाले एसेट इस इंडेस में कवर हो गए, सारे एसेट्स आ गए लगभग, प्लांट एंड मशीनरी से लेके सारे बिजनेस एसेट, सारे बिजनेस एसेट स्टूडेंट्स ये कवर्ड है। ध्यान रखना जहां तक शेयर्स की बात है, इन्वेस्टमेंट्स की बात है, इन्वेस्टमेंट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट द फेयर वैल्यू, डेजिग्नेटेड एट व्हाट, एट द फेयर वैल्यू, उसको भी आपने क्या करना है, कंसिडर नहीं करना है इन योर प्रॉफिट एंड लॉस, इन योर बुक प्रॉफिट। कब तक नहीं करना है? जब तक उसे आपने एक्चुअल बेच नहीं दिया है तब तक। सो टिल द टाइम इट इज बीन डिस्पोज ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द प्रॉफिट, द नोशनल प्रॉफिट इन द बुक प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर टू देखो, डी मर्जर वाला पर्टिकुलर पॉइंट में भी इसको बाहर निकाला गया। अब डी मर्जर को क्यों बाहर निकाला गया, उसका रीजन क्या है? सो व्हाट इज द रीजन फॉर द डी मर्जर को बाहर निकालने का रीजन स्टूडेंट्स ये है कि डी मर्जर को उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से टैक्स न्यूट्रल। डी मर्जर आपको पता ही है, इट इज टैक्स न्यूट्रल। आप नॉर्मल प्रोविजन में भी क्या है, 47 में उसकी जगह आ जाती है। तो डी मर्जर को टैक्स क्योंकि न्यूट्रल का दर्जा दिया गया है, इस वजह से उसको डी मर्जर के कॉन्सिक्वेंस पे जो भी नोशनल गेन या लॉस अगर अराइज हुए होंगे तो उसको भी आप बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मानोगे। पॉइंट नंबर थ्री स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर थ्री, इस पे आप नजर बना के चलना और एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पे आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट नंबर थ्री की मैं बात कर रहा हूं। क्या है पॉइंट नंबर थ्री, क्या होता है स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर वाली जो कंपनी होती है उस पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ये सबसे बड़ा
ये सिचुएशन बनता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दी फर्स्ट ईयर कंपनी, जो फर्स्ट ईयर जब कन्वर्जेंस उसकी होती है ना, तो उस पर आप सोचो क्या गुजरेगी, जब पहले साल में जब कन्वर्जेंस का साल होगा, उस साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता होगा ऐसे केस में, सारे के सारे प्राइमरी सारे के सारे आपके जो भी एसेट जो अब तक हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यू थे, अब तो क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे वैल्यूएशन उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से होगी। आप खुद सोचो कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट तो कितना पुराना रहेगा, और हमने फिर रिवैल्यूएशन करके आज का फेयर वैल्यू उसका ले लिया है, तो आप सोच रहे हो फासला कितना बड़ा होगा दोनों के बीच में। क्योंकि ध्यान रखना, एक बार इसने आपने फेयर वैल्यू के हिसाब से रिवैल्यू कर दिया, तो अगले साल तो आपको सिर्फ ईयर टू ईयर का गेम खेलना है, तो आपको इंक्रीमेंटल ही इसका क्या देना है, इफेक्ट देना है, हर साल सिर्फ आपको इंक्रीमेंटल देना है। लेकिन जब पहले साल की बारी आएगी, तब आप सोच रहे हो वो फासला कितना बड़ा रहेगा, और इसी वजह से क्या एक साथ हम पूरा का पूरा वो डिफरेंस का एडजस्टमेंट दिलवा देंगे एज पीए, जो भी डिफरेंस का, क्या एक साथ हमें एडजस्टमेंट ऐड या लेस करवा देना चाहिए इन डिटरमाइनिंग द बुक प्रॉफिट? एंड आंसर इज नो। उन्होंने यहां पर कहा कि जो पहले साल का जो जो ट्रांजिशन हुआ है, तो उसमें जो डिफरेंस बने हैं, वो डिफरेंस को आप एक साथ उसके रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उसको आपको करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ 1/5। तो 1/5 मतलब प्रो रेटा बेसिस पे 5 साल का स्प्रेड आपको ट्रांजिशन अमाउंट का देना होगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें भी वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि जो इंड एस वाले जो एसेट है, इंड एस 16 एंड इंड एस 38, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाले जो एसेट होंगे, उन एसेट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या उनकी रिकॉग्निशन आपको देनी पड़ेगी इन द ट्रांजिशन अमाउंट 1/5 जिसका आपको ऐड या लेस करना है? एंड द आंसर इज नो। मैंने पहले भी कहा था कि इनका तो आपने लेना होगा ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट। तो जब आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेचा है, या फिर जब आपने ये सारे स्पेसिफाइड एसेट बेचे हैं, तब जाके ही आपको उसकी रिकॉग्निशन लेनी होगी ऑन अ रियल बेसिस। एंड देयरफॉर ट्रांजिशन अमाउंट में भी ये सारे नोशनल वैल्यू का कोई भी योगदान नहीं होगा, ये सारे नोशनल अमाउंट का कोई भी योगदान नहीं होगा। तो किस नोशनल अमाउंट की हम बात करें, वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देखिए जल्दी से यहाँ पे क्या लिखा गया स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन अमाउंट। देखो यहाँ पे ईयर ऑफ कन्वर्जेंस एंड ईच ऑफ द 4 प्रीवियस ईयर। ईयर ऑफ कन्वर्जन जिस साल आपने किया, उस साल में 1/5 पहला साल हो जाएगा, और अगले 4 साल में, और बैलेंस जो 4 और 1/5 का जो बचा है, वो आपको उसका इफेक्ट दिलवाना है। या तो वो ऐड होगा या फिर लेस होगा, डिपेंडिंग अपॉन पल्डा किसका भारी हुआ है, क्रेडिट का या डेबिट का, एज द केस में भी। ट्रांजिशन अमाउंट में देखो क्या लिखा गया है, अमाउंट एडजस्टेड ऑन इन अदर इक्विटी एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, उनको छोड़ के ऑन कन्वर्जन डेट, ठीक है, फर्दर एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट ऑन दिस डेट। कौन से एडजस्टमेंट को छोड़ के, ओसीआई एडजस्टमेंट ऑन दिस डेट इन ओसीआई, गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विटी ऑफ द इक्विटी एट द फेस वैल्यू द फेयर वैल्यू, पीपीई इन टेंजिबल एसेट एट फेयर वैल्यू, रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द एसेट्स इन डेज 1638, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, ये भी एक है ध्यान रखना, सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर उनको भी छोड़ के, और फाइनली ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको एक्सक्लूड करके, मतलब इन्हें आपने इनके जो फेयर वैल्यू के बेसिस पे जो भी ऐड या लेस हुआ होगा, उसको आपको ट्रांजिशन अमाउंट में कंसिडर नहीं करना है, और बैलेंस ही जो आपका जो फेयर वैल्यू के हिसाब से आपका आपका ऐड और लेस होगा, वही ट्रांजिशन अमाउंट का प्राइमरी क्या है, वो उसका अमाउंट का एक उसमें वो ट्रांजिशन अमाउंट के अंदर शामिल होगा, और फिर उस नेट ट्रांजिशन अमाउंट का आपको क्या करना होगा, 1/5 ले लेना। सो द बॉटम लाइन देयरफॉर स्टूडेंट्स इज दिस, कि इन डेज के एडजस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, अब यहाँ पे आईसीआई ने कुछ क्वेश्चन भी आपको मालूम है, एक दो तो क्वेश्चन आपके पास है, मौजूद है, जो आईसीआई ने आई थिंक कौन से तो अटेम्प में पूछा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नवंबर 18 का अटेम्प में था, नवंबर 18 वाला अटेम्प था, ये क्वेश्चन बैंक तो है आपके पास, लगभग 2 या 3 अटेम्प पे आईसीआई ने बराबर इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे भी प्राइमरी, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करेंगे, प्लस अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करने जाएंगे जो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा, विच जैसे कि मैंने पार्ट ए में भी आपको बताया था कि एक अमेंडमेंट है, सॉरी एक केस लॉ है, जिस केस लॉ का इफेक्ट मैंने इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर दिया है, कैसे दिया है?
वो हम लोग देख लेंगे। नवंबर 18 बिल्कुल ध्रुव ओल्ड कोर्स, इन्होंने कह दिया नवंबर 18 अटेम्प्ट ओल्ड कोर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहना इस कॉन्टेक्स में, यहाँ पे इस सिचुएशन में। हाँ हाँ मैं अभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इस इंडेक्स के क्वेश्चन भी रहेगा इसमें। आप लोग एक चीज अब नोटिस करना, यहाँ पे सब लोगों ने ये चीज कर लिया होगा, तो इन डेज के एडजस्टमेंट में अभी भी ध्यान रखना कि आपको ओसीआई की जो स्टेटमेंट है जिसमें विद आइटम्स विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके सारे क्रेडिट आपको लेने हैं, सारे डेबिट आपको लेने हैं, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग फॉलोइंग अमाउंट। और वो अमाउंट कौन सा होगा? द चेंजेस इन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट। कौन सा एसेट है? जो स्पेसिफाइड एसेट जो इंडेक्स का रेफरेंस दे रखा है, और दूसरा क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो पर्टिकुलर कैटेगरी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इनका ये एसेट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन तभी होगा, कब होगा बताओ जल्दी से, जब आप उसको एक्चुअली क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तब। तो अनलेस एंड अंटिल यू वुड हैव सोल्ड इट, तब तक आपको इसकी वैल्यूएशन नहीं लेनी है, तब तक आपको इसकी वैल्यूएशन नहीं लेनी है। फाइन, डीमर्जर इज ऑलवेज टैक्स न्यूट्रल, तो हमें डीमर्जर के टाइम पे जो फेयर वैल्यू बना है उसको हमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा इन आवर बुक प्रॉफिट, दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है ईयर ऑफ कन्वर्जेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो होता क्या है कि आपको ट्रांजिशन अमाउंट आपको डिटरमाइन करना है जिसका 1/5 का एडजस्टमेंट आपको देना है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और उस ट्रांजिशन अमाउंट में कौन सा अमाउंट आप कंसिडर नहीं करेंगे वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट जो आपको दिख रहा है उसको तो आपको पता ही है कि आपको उसके जो इंक्रीमेंट या डिक्रीज इन वैल्यू तभी लेना है जब आपने क्या किया होगा, उसको एक्चुअली बेचा होगा तब, तो रियल बेसिस पे उसकी रिकॉग्निशन की जाएगी एंड नॉट ऑन नोशनल बेसिस। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको ट्रांजिशन में भी, ट्रांजिशन अमाउंट के कैलकुलेशन में भी आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो स्टूडेंट्स ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट चलिए अब कंप्लीट हो चुका है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सिचुएशन में कैरिंग अमाउंट का ये पॉइंट आया था आपको, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया ये स्टूडेंट्स, आप लोग ये पॉइंट नंबर 5 में ये नोटिस करना, ये हम लोग कर रहे थे इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके। पॉइंट नंबर 5 में ये किसकी हम बात कर रहे थे, ध्यान से देखना इसको ऑल ऑफ यू। पॉइंट नंबर 5, सो गेन और लॉस ऑन द यूनिट्स, ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू इन 47। तो मैंने क्या बोला आपको कि भाई एक्चुअल गेन और लॉस लेना है आपने, ठीक है, एक्चुअल क्या करना है आपने, गेन और लॉस लेना है। तो जब आप एक्चुअल गेन और लॉस लोगे तो आपको रियल गेन और रियल लॉस लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा विद द एक्चुअल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा विद द एक्चुअल कॉस्ट। तो वही हुआ है यहाँ पे, आप नोटिस कर रहे हो ये जो गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू इन 47.7 विच वॉज कंप्यूटेड बाय टेकिंग इन टू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ द शेयर। तो आपको यूनिट के ट्रांसफर पे क्या लेना होगा, द कॉस्ट ऑफ द शेयर, द कॉस्ट ऑफ द शेयर ऑफ द एसपीवी, तो वो आपको लेना है। पॉइंट नंबर 2 में बताओ क्या लिखा है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शेयर एट द टाइम, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज वेर सच शेयर आर कैरिड एट अ वैल्यू अदर देन the cost through the profit and loss account। अब आप मुझे बताओ ये point number 2, अब क्योंकि आपने index आपको करवा दिया है मैंने, क्या point number 2 को मैं समझाऊं कि इसको रहने दूं, वैसे आएगा नहीं question में, examination में इतने बारीक तक, लेकिन अगर आप जिद करके रख रहे हो तो फिर मैं point number 2 को छेड़ने की कोशिश कर सकता हूं, अगर जिद आपने किया है तो, otherwise वैसे examination में आने वाला तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट है ये, बताओ कोशिश करूं मैं इस पड़ी को पॉइंट नंबर 5 का जो पॉइंट नंबर 2 है, क्योंकि अब इंडेक्स कंपनी कंप्लीट कर लिया एडजस्टमेंट को लेके, बता दो आपके आज्ञा अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी, जल्दी बताओ। पॉइंट 2 लेस होगा, कौन सी पॉइंट 2 ठाकुर, कौन सी पॉइंट 2 की बात कर रहे हो, ये एड और लेस दो चीज है ना, यहां पे दो चीज दी गई है, नहीं नहीं लेस वेस तो यहां पर होगा, यहां पर हो चुका है, देखिए
जो आप लेस बोल रहे हो वो तो ऊपर में ऊपर हो चुका है। दिनेश जी ने कहा है कि छेड़ दो सर, तो चलिए फिर एक कोशिश करते हैं, इसको जो तार है इसको छेड़ ही देते हैं। आप देखना अल्टीमेटली कि अगर आपको पकड़ में आए तो ठीक, नहीं भी आए तो भी ठीक, कोई इसमें ये नहीं है। आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना। अच्छा, ये मैंने जो आपको करवाया था प्राइमरी, अब क्योंकि इंडेक्स का आपका कंप्लीट हो चुका है, वी कैन नाउ लुक इन टू दिस वन। मैंने सुना था आप लोग को ये सब चीज़ बताया दिया था कि भाई देखो जनाब, ये जो आपने क्या कर रहा है आपका, ये एक्चुअल गेन का ही क्या होगा, ये इफेक्ट जाएगा। यही मैंने बताया था ना आप लोग को, एक्चुअल गेन का इफेक्ट जाएगा। एक्चुअल गेन के इफेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था ये कि देखिए सेलिंग प्राइस जो होगा ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट, सेलिंग प्राइस जो होगा ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, विद द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द एसपीवी, कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द एसपीवी। यही बात मैंने रखी थी, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अल्टीमेटली क्या था, जो डिफरेंस था वो डिफरेंस प्राइमरी, वो आपका क्या होगा, वो आपके बुक प्रॉफिट में बैठेगा। तो ये एक्चुअल गेन की हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने ये भी आपको बताया था कि जो आपका पीएनएल का, लेकिन जो हाल रहेगा, जो पीएनएल का जो हाल रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि उसको कैरिंग अमाउंट, जो क्योंकि एक्चुअल पीएनएल में क्या हुआ रहेगा कि उसका सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट माइनस व्हाट द कैरिंग अमाउंट, ये एक्चुअल उसका हाल रहेगा। तो आपका क्रेडिट हुआ रहेगा पीएनएल में तो आपको उसको रिड्यूस करना है, डेबिट हुआ रहेगा पीएनएल में, कैसे डेबिट हुआ रहेगा, जबकि आपका जो सेलिंग प्राइस है ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट, जो सेलिंग प्राइस है ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट इज लेस एज कंपेयर टू, लेस एज कंपेयर टू व्हाट, लेस एज कंपेयर टू द कैरिंग अमाउंट जो आपने पिछला रिकॉग्नाइज किया था उससे आपका लॉस है तो डेबिट हुआ होगा, तो उसे क्या करेंगे, एड बैक। अब ये वाला जो अगर आप देखो तो ये आपको स्टेटमेंट यहां पर मिल रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे स्टेटमेंट वैसे ही है। देखो लॉस हुआ रहेगा, एक्चुअल लॉस देख रहे हो आप लोग, ये जो एक्चुअल लॉस की जो बात हो रही है ना, एक्चुअल लॉस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट, तो जब रेट की यूनिट को ट्रांसफर किया था तो जो एक्चुअल लॉस होगा वो आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। ये एक्चुअल लॉस कैसा रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट दी कैरिंग अमाउंट, और इसी वजह से एक्चुअल गेन अगर आया रहेगा आपको, एक्चुअल गेन आया रहेगा आपको, तो देखिए जनाब जो एक्चुअल गेन आया रहेगा आपको यहां पे, ये जो एक्चुअल गेन आया रहेगा आपको प्राइमरी ऑन ट्रांसफर ऑफ द रेट, यूनिट ऑफ द रेट, तो आपको ये एक्चुअल गेन, मतलब कि ये जो एक्चुअल लॉस और एक्चुअल गेन की जो बात हो रही है ना, बुक वैल्यू एज पर द बुक्स है, ये एज पर द बुक्स है, इससे आपको बाहर निकालना है। ये जो एक्चुअल गेन और जो एक्चुअल लॉस है इसे आपने क्या करना, बाहर निकालना। नहीं ध्रुव, बराबर है, सही है ये। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो लेस जो होगा प्राइमरी एक्चुअल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट, जो ये जो है ये एक्चुअल गेन का मतलब है विच इज एज पर दी बुक्स प्राइमरी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट दी कैरिंग अमाउंट, ये क्या होगा, अगर वो ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में गया होगा आपका, जो मैंने अभी आपको केस स्टडी के द्वारा बताया, तो वो क्या करेंगे आप उसे लेस कर देंगे, क्योंकि हमें कैरिंग अमाउंट से नहीं करना है कंपेयर, हमें करना है कंपेरिजन किससे, विद दी दी कॉस्ट ऑफ दी शेयर्स, विद द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, इजंट इट। सो दैट इज हाउ वी विल बी कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये वाला जो आप इसमें एकदम क्लियर रहे, पॉइंट नंबर चार में ये जो एक्चुअल लॉस का मतलब क्या है ये ध्यान रखना, ये एक्चुअल लॉस का मतलब है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एक्चुअल लॉस का मतलब या फिर एक्चुअल गेन का मतलब है एज पर बुक्स, एज पर बुक्स, ये दोनों जो है ना ये है एज पर बुक्स, एक्चुअल लॉस और एक्चुअल गेन है एज पर द बुक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर चार जो ठाकुर है इस कॉन्टेक्स्ट में, पॉइंट नंबर चार की मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल में, पॉइंट नंबर चार में जो एक्चुअल लॉस और जो एक्चुअल गेन जो दिया है वो उस कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, ठीक है। अब मैं पॉइंट नंबर पांच में आ रहा हूं, पॉइंट नंबर चार तक मुझे बता दो, कोई क्वेरी है तो मुझे बता दो पॉइंट नंबर चार तक, पॉइंट नंबर पांच में मैं अभी आऊंगा, तो अभी कोई पॉइंट नंबर पांच को छेड़ेगा नहीं, पॉइंट नंबर पांच में मैं अभी आऊंगा, चार तक मुझे बता दो, कोई भी कुछ इस टाइप का कोई क्वेरी होगा तो चार तक जल्दी बताओ, फिर मैं पांच को बता के फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर वी विल मूव टू दिस वन, ठीक है। हाँ, ये एज पर बुक्स है, ये जो है ना एक्चुअल लॉस हो रही है एज पर बुक्स है, पॉइंट नंबर चार तक बताओ, बिल्कुल ठाकुर एज पर बुक्स ही है ये,
ठीक है, तो उस वजह से जो मैंने वहां पे भी अपने, आपने तो उस स्लाइड को कॉपी कर ही दिया होगा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने केस स्टडी बनाया था उसको बस यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, चार तक तो कोई ठीक, सब ठीक है, चलो सबने बोला सर चार तक ठीक है, पांच में आओ। पांच में मैंने क्या बताया आपको कि जनाब आपने एक्चुअल गेन को क्या करना है, कैप्चर करना है। ठीक है, एक्चुअल गेन को कैप्चर करना। अब एक्चुअल गेन का मतलब क्या होगा, एक्चुअल गेन कैसे होगा, जब आपने यूनिट ऑफ रेट को बेचा होगा, और फिर देखिए उस यूनिट ऑफ रेट को बेच के आपने कंपेयर करना किससे, विद दी कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द एसपीवी, एसपीवी के शेयर्स से कंपेयर करना आपने कॉस्ट ऑफ द शेयर, तब जाके रियल गेन आएगा। देखिए फिर ये रियल गेन, इस कॉन्टेक्स्ट में ये रियल गेन आ गया। आप सभी लोगों की दिक्कत ये थी ये पॉइंट टू को लेके, पॉइंट टू को लेके। अब क्योंकि इंडेक्स छेड़ चुका है हम लोग ने, हम आ रहे पूरे एडजस्टमेंट में, तो पॉइंट टू पे अब मैं आता हूं, कोशिश करते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स पॉइंट टू की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अब आप स्टूडेंट्स मुझे बताना, ये केस स्टडी पे बस एक बार वापस से क्विकली मैं आपको बता दूं कि हमारा ओरिजिनल केस स्टडी क्या था, तो मैं केस स्टडी को चेंज नहीं करूंगा। डीएलएफ लिमिटेड, और इसका है डीएलएफ होल्डिंग, डीएलएफ एचएल सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, और इसने बाद में रिट को क्या किया है, शेयर्स ट्रांसफर किए, और शेयर्स के ट्रांसफर के बदले उसको क्या मिला, यूनिट ऑफ रिट। इसके शेयर्स को ट्रांसफर करके उसे मिला है द यूनिट्स ऑफ रिट। अब स्टूडेंट्स यहां पे नोटिस करना, डीएलएफ लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ इसका इक्विटी शेयर्स, केस स्टडी वन इसका ये दे रहा हूं, इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स इन एसपीवी लिखता हूं, और एसपीवी कौन सा है, डीएलएफ हाउसिंग लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर्स इन एसपीएफ जो इसका है, अब आप याद करना ये पकड़ के चलो, ये ईयर जीरो, फिर ईयर वन में। अच्छा बाय द वे इनको इनको वैसे ही इंडेस एप्लीकेबल हो गया है, इंडेस एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, इनका ईयर फोर में इन्होंने रिट को क्या किया है, ट्रांसफर किया शेयर्स ऑफ एसपीवी। ठीक है, शेयर्स ऑफ एसपीवी टू रिसीव यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ दी रिट, और फिर यहां पे फाइनली क्या किया, यूनिट ऑफ रिट को बेच दिया गया है, यूनिट ऑफ रिट इज सोल्ड। ठीक, यहां पे जो हमने किया यूनिट ऑफ रिट हैज बिन सोल्ड, तो यहां पे क्या है एक्चुअल अल्टीमेटली क्या है, और आई विल से रियलाइजेशन, यहां पे रियलाइजेशन हुआ है, मान सकते हो ये रियलाइजेशन वाला पॉइंट है, यहां तक ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा फोकस करना, आप सभी लोग इनको इंडेस वैसे एप्लीकेबल है, डीएलएफ लिमिटेड इंडेस वाली कंपनी है पहले से ही। आप मुझे बताओ कि जब यहां पर इसने इसको फेयर वैल्यू पे तो लेकर आना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन क्या इसको, मेरा आंसर चाहिए सबसे, क्या जब आप बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में क्या जो भी इसका जो फेयर वैल्यू हो रहेगा, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट जाएगा, रिवैल्यूएशन इफेक्ट क्या जाने वाला है या नहीं बुक प्रॉफिट में, इसके रिवैल्यूएशन का इफेक्ट। आप बोलोगे किस बात की रिवैल्यूएशन, इंडेस होने की वजह से फेयर वैल्यू की रिवैल्यूएशन, क्या इनका रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आने वाला है या नहीं, जल्द से जल्द बताएं स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स अपना योगदान दें। ध्रुव का आंसर आ चुका है, रोहित का आंसर आ चुका है, तानिया का आंसर आ चुका है।
ध्रुव ने इसका रीजन भी दे दिया है। बाकी लोग भी थोड़ा चपलता दिखाएं आंसर देने में। रिद्धि का भी आंसर आ चुका है, श्रेयस का आंसर आ चुका है, ठाकुर का भी, समाधान का भी, ध्रुव श्रेया ने भी आंसर दे दिया। तो आप सभी लोग इस बात को तो सहमत है कि सर इक्विटी को लेके, नेहल ने भी आंसर दे दिया है, इक्विटी को लेके सब लोग एक चीज अभी अभी पढ़ा है मैंने आपको, इसी दिन के लिए आपको पाल पोस के बड़ा किया था। बताओ क्या कर किया था कि पॉइंट नंबर 10 में जो वहां पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिया गया है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो आपको वहां पे दिया गया है, तो वहां पे बताइए क्या था इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। यही बताया गया था ना कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे आपने नहीं लेना है रिवॉल्यूशन का इफेक्ट, वही अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आपने नहीं लेना है रिवॉल्यूशन का इफेक्ट, तो नहीं लेंगे आप, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में रिवॉल्यूशन की इफेक्ट नहीं ली जाएगी। तो अभी अभी आपने देखा था, आंसर इज नो। क्यों? पॉइंट नंबर 10 उसका रीजन है। यहां पे फिगर भी ले लीजिए एग्जाम्पल में, ₹100 करोड़, ठीक है, जो भी ले लो, इसका इसका ये 100 कर दो और इसको कर दो ₹150। चलो ठाकुर ने कहा इसमें न्यूमेरिकल्स के साथ कर ले, इसको ईयर ये कर लिया। फिर मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, ईयर टू में मान के चलो, बिल्कुल श्रेयस सही कह रहे हैं आप, ईयर टू में इसका हो गया है 250, ईयर टू में इसका हो गया 250। तो फिर ऐसे केस में जब ईयर टू, और इसको ईयर थ्री कर दो ना, यहाँ पे कौन सा अपन बार बार इसको टाइम पास वाले कैलकुलेशन बोला जा रहे हैं, ईयर टू में इसको 250 करवा दिया, तो क्या अभी भी वही पर्टिकुलर पॉइंट होगा, क्या रिवैल्यूएशन की इफेक्ट बनेगी? एंड आंसर इज नो। क्यों? पॉइंट नंबर 10 में अभी अभी देखा था, जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तब तक प्राइमरी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आओ इधर इस तरफ, ये यहां पे इसके वैल्यू यहां तक आते आते क्या हो गया है? इसमें ये डेट पे इसकी वैल्यू हो गई है से 400 की, 400 की वैल्यू हो गई स्टूडेंट। अब आप खुद नोटिस करना, 250 से 400। अब इसमें आप बोल सकते हो कि रिटायर हो गया, डिस्पोज ऑफ शेयर्स को निकाल दिया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बचाने के लिए कौन आ रहा है? अब बताओ इसमें बचाने के लिए आपको कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बचाने के लिए? पॉइंट 10 नहीं आ रहा है बचाने के लिए, आ रहा है बोल, कौन आ रहा है बताइए जल्दी से, कौन आ रहा है यहां पे आपको बचाने के लिए? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ने आपको बचा दिया, बताइए हो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को, पॉइंट नंबर 4 की वजह से आप बचे हुए हो। फाइन, पॉइंट नंबर 5 तो एक्चुअल गेन की बात कर रहा है, अभी हमें नहीं आना है, पॉइंट नंबर 4 की वजह से आपने आप बच गए हो, इस चीज की आपको बधाई दी जा रही है। और अब स्टूडेंट्स आइए इस कॉन्टेक्स्ट में, यहां पर मैं डाल रहा हूं क्या, अमाउंट को डालना ही पड़ेगा, तो अमाउंट मैं डाल रहा हूं यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी? 500 की स्टूडेंट्स, 500 की सेलिंग प्राइस। अब बताओ क्या करोगे इस केस में, जब 500 का हुआ है तो लेस व्हाट दी कॉस्ट, कॉस्ट आपकी कितनी है यहां पे, कॉस्ट आपको ये लेनी पड़ेगी, आई बात समझ में? अब 100 करके, अब बताओ ये जो होगा 400 का रियल गेन, ये रियल गेन, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट, ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा, ठीक है। आप लोग अगर कॉपी कर ही रहे हो तो कर लो तुरंत के तुरंत कॉपी कर लो, नंबर्स के साथ आपको दिया गया है इस वजह से। मैं पहले स्लाइड थोड़ा नीचे कर रहा हूं ताकि आप लोग ऊपर कॉपी कर सको, जल्द से जल्द अल्टीमेट स्टूडेंट्स इसको कॉपी करें आप सभी लोग। कर रहे हो कॉपी? हाँ सर, आराम से थोड़ा सो के देख रहे थे, थोड़ा नींद आ गई थी, आंख लग गई थी, क्या है ना दोपहर के टाइम पे हम थोड़ा लंच करने के बाद थोड़ा सो जाते हैं, ऐसे ऐसे आधे लोगों की आंख लग रही है तो बाद में उठ रहे हैं बीच बीच में, यही हो रहा है ना, ईमानदारी से बताओ। बस अब एक दूरबीन की कमी रह गई है, बाकी अब सबकी पोल अप खुलने वाली है।
हो गया कंप्लीट। जल्दी मुझे बता दे रहना कि भाई कंप्लीट हो चुका है, नहीं तो ऐसी मैं भूत जैसा खड़ा रहूंगा आपके सामने। तान्या का हो चुका है, श्रेया का भी हो चुका है। और बाकी लोगों को थोड़ा टाइम से आंख लग गई है, इसके लिए ये हो गया है। फोर्थ और पॉइंट वाला पॉइंट फोकस नहीं किया था, इसलिए डाउट आया था। अच्छा, फोर्थ वाले पॉइंट में नियल ने भी कंप्लीट कर लिया, दिनेश ने भी कर लिया। फोर्थ वाले पॉइंट में स्टूडेंट्स क्या हुआ होगा, डाउट आप लोग को आई होगी, बात सही कह रहे हो। तो उस वजह से आपने तभी तभी स्टार्टिंग में फोकस नहीं किया था। अब उन्होंने एक्चुअली जब रियल गेन, हमने तो रियल गेन को लाना है बुक प्रॉफिट में, उन्होंने क्या की होगी डिस्पोज ऑफ के टाइम पे, उन्होंने क्या किया होगा स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया होगा अगर आप बताओ। उन्होंने अपने जब बेचा रहेगा, जब उन्होंने बेचा रहेगा तब आप मुझे बताओ, ये पकड़ने के लिए कि आपने ये चीज को समझाया कि नहीं, उन्होंने क्या किया रहेगा मुझे वो बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उनकी ट्रीटमेंट क्या गई होगी विथ नंबर से आप मुझे बता दे, मैं पकड़ लूंगा कि आपने समझ लिया है और वो चीज हमें क्या इफेक्ट देना है। तो पहला इफेक्ट बुक प्रॉफिट में ही आएगा और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा वो आप बता दो। बुक प्रॉफिट में 400 आएगा और किसको आपको बाहर निकालना है वो आप मुझे बताओ, जल्दी की जल्दी, अभी कभी। ध्रुव का आंसर आ गया पहले, बिल्कुल सही कहा। देखो अब पकड़ में आ गया, अब आप लोग गलती नहीं करोगे एग्जामिनेशन में, जान के काफी खुशी हुई स्टूडेंट्स। बुक प्रॉफिट में जो ऐड होगा ये ऐड करेंगे आप, और जो एक्चुअल गेन जो है जो लेस करेंगे, एक्चुअल गेन एज पर बुक्स जो है वो क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। और कितना लेस करेंगे, बिल्कुल सही कहा, ये जो लेस होगा ये लेस होगा कितना, 500 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 100, ये लेस करेंगे आप। तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये पॉइंट चार के वजह से ये है इसका इफेक्ट, और ये पॉइंट पांच की वजह से, बिल्कुल सही कह रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया स्टूडेंट्स, ये जान के काफी खुशी हुई है कि आपने इसको भली भांति पकड़ लिया, किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब एमसीक्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप गलती नहीं करोगे इसका। अब एक लास्ट ट्विस्ट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको करवा दूं, जो 5-2 को हिट करता है, 5-2 को, जो पांचवा पॉइंट का सेकंड जो है, पांचवा पॉइंट का सेकंड क्लॉज, क्योंकि वो काफी टेढ़ा क्लॉज है, पार्ट टू, वही पॉइंट नंबर पांच का सेकेंड पार्ट। वैसे आएगा नहीं एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी आपने बोला कि छेड़ दो सर उतार, लेकिन वैसे देखा जाएगा कि जब सेटल हो चुके हैं यहां तक सब लोग, तो वो थोड़ा छेड़ना भी थोड़ा खतरे से कम नहीं होगा, लेकिन तो भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा वो पॉइंट क्या है, इसी डीएलएफ का देख लो, डीएलएफ लिमिटेड, यही डीएलएफ लिमिटेड का मैं सेकंड पॉइंट में आ रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जिनको ये पॉइंट नहीं देखना है वो पानी पी के आ जाए, तब तक आइए स्टूडेंट, तब तक अपन
ये वाला पॉइंट को खत्म करते हैं। डीएलएफ लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, अब ये इसने क्या किया, इसके पास ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके पास क्या है, ये डीएलएफ हाउसिंग लिमिटेड पे जो कि इसके एसपीवी है, इसमें इसका क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कौन सा शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। आइए ईयर जीरो और कॉस्ट जो होगा क्या था, कोई भी कॉस्ट ले लो 100। आइए जनाब ईयर वन, ईयर वन में इसका जो रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन है कितने का, इसकी इसका फेयर वैल्यू जो हुआ है 250 का हुआ है। अब आप मुझे बताओ रिवैल्यूएशन जो है 150 का, क्या ये रिवैल्यूएशन 150 विल इट फॉर्म पार्ट ऑफ, ध्यान से बताना आंसर, गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्म पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट, क्या ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये क्वेश्चन अल्टीमेटली आपसे पूछा गया है, क्या ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये है क्वेश्चन आपके सामने। बताओ जल्दी, ध्रुव का आंसर आ चुका है, नेहल ने भी आंसर दे दिया है, बाकी लोग अपना अपना आंसर सब देंगे, बाकी लोग थोड़े, हम तो अपनी इजाजत दी थी पानी पीने के लिए, तो हम वहां पर जाकर आए। श्रेयस ने भी आंसर दे चुके हैं, श्रेया ने भी आंसर दिया, दिनेश का आंसर आ चुका है, तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको पॉइंट नंबर 10 में क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया गया था आपको पॉइंट नंबर 10 में, कि भाई जिसको एक्सक्यूज किया गया है, बताओ किसको एक्सक्यूज किया गया, टू हुम इट हैज बीन एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूज आपने किया है ओनली ओनली टू हुम, ओनली टू दी, जल्दी बताओ, तो ओनली टू दी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेके क्या है, वो रियल बेसिस पे कैप्चर होगा इन बुक प्रॉफिट, लेकिन उसको छोड़ के क्या बाकी इन्वेस्टमेंट अगर आपने की होगी लाइक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, प्रेफरेंस शेयर्स के इंस्ट्रूमेंट में, क्या बाकी पर्टिकुलर केस में जो भी वैल्यूएशन होगा, क्या हम उसको जो भी फेयर वैल्यू के हिसाब से जो भी इंक्रीज हुआ होगा, क्या उसे बुक प्रॉफिट में हमें रखना पड़ेगा, एंड द आंसर इज यस। तो यहां पे पॉइंट क्या है कि द एक्सेप्शन द बेनिफिट ऑफ द एक्सक्लूजन इन बुक प्रॉफिट एज पर पॉइंट 10 इज अवेलेबल किसको, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही कहे करें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बताएं जनाब, तो ये तो बुक प्रॉफिट का हिस्सा हुआ होगा, मतलब इस पे आपका टैक्स लग चुका है, इज़न्ट इट। अब आइए, अब ये पकड़ लो कोई भी साल से ईयर टू में ही, अब क्या किया आपने, ये शेयर्स को ट्रांसफर किया, प्रेफरेंस शेयर्स ट्रांसफर टू रिसीव दी दी यूनिट्स ऑफ रेट, यूनिट्स ऑफ रेट, हाँ होते हैं, वो भी होते हैं ठाकुर, इक्विटी भी होंगे और प्रेफरेंस भी होंगे, जो भी हो सकते हैं उनके शेयर्स, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर इक्विटी होगा तो 0.52 के अंदर आप नहीं पहुंच पाओगे, 0.52 का जो होगा ना वो कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि इक्विटी पे जो रिवॉल्यूशन है उसको 10 में रोका गया, वो आप उसे रिकॉग्नाइज करते ही नहीं हो, ठीक है ना, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करते ही नहीं हो। अब आप मुझे बताना इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में, तो यहां पे इसकी ये था कितना था स्टूडेंट्स, यहां पे से ₹400, ₹400। अब
ये जो है, क्या इसका जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंस में क्या आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा? डिफरेंस वेदर द बेनिफिट विल इट बी अवेलेबल और नॉट? एक बार आप जल्दी से प्रोविजन सब लोग पढ़ेंगे, ऑल ऑफ यू, एक बार सब के सब स्टूडेंट्स पहले प्रोविजन पढ़े और उसके बाद आए इस कॉन्टेक्स्ट में। फाइनल पॉइंट में आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फाइनल पॉइंट पे एक बार जल्दी से सब लोग पढ़ लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ध्रुव। तो आइए, पढ़ लिया सब लोग स्टूडेंट्स, बता दो सब लोग अपने आंसर दो, दे दो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या हुआ होगा, यहाँ पे पॉइंट चार में आ जाएगा, अटकेगा। देखो नोटिस करना आपने, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ एन एसपीवी, वर्ड है शेयर्स। अब आई बात समझ में, सिर्फ शेयर्स को ही रखा गया है, नहीं तो देखो जनरली होता क्या, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंसेस वो स्पेसिफाई करते, लेकिन 47 के लिए, प्लीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, सेक्शन 47 के लिए दे आर ओनली कंसर्न विद द शेयर्स। सेक्शन 47 के लिए दे आर ओनली कंसर्न विद द शेयर्स। तो शेयर्स ऑफ द एसपीवी को अगर आपने ट्रांसफर किया टू द रिट, और उसके बदले आपको क्या मिल गया है, उसके बदले आपको मिल गया है, क्या मिल गया है, द यूनिट ऑफ शेयर्स ऑफ द एसपीवी को आपने ट्रांसफर किया है और करस्पॉन्डिंग टू दैट आपको मिल गया है द यूनिट्स ऑफ रिट। तो बताओ उस केस में जो भी गेन होगा, जो भी गेन होगा, तो यहां पे वो क्या बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा? एंड द आंसर इज नो। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो, यहां पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, ये जो 150 का देयरफॉर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर द बुक प्रॉफिट, सॉरी देयरफॉर द गेन ऑफ ₹150 शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, तो ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा स्टूडेंट्स नहीं होगा। यहां तक ठीक है? तो प्लीज नोट करना, 47 में जो एग्जेम्पशन चाहिए ना, 47 में एग्जेम्पशन, उसमें जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर्स ऑफ एसपीवी ही ट्रांसफर करना है, कोई भी शेयर आप ट्रांसफर कर लो एसपीवी का, और उसके अगेंस्ट पे आपको क्या मिल रहा है, द यूनिट्स ऑफ द रिट, तो वो जो भी होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और वो जो भी वैल्यू हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी नोशनल गेन हुआ है, तो इसमें बताइए नोशनल गेन कितना है। तो नोशनल गेन, तो देयरफॉर ₹150, देयरफॉर ये लिखना, ऐसे लिखना स्टूडेंट्स, द नोशनल गेन, ऐसा वर्ड यूज करना, देयरफॉर द नोशनल गेन, द नोशनल गेन ऑफ ₹150 शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो इसको कंपेयर आप 250 से लेके 400 इसके बीच में करोगे,
250 से लेके 400 इसके बीच में करोगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे बनेगा। और अब आइए लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग से ईयर 3 में, जब इसने बेचा है, क्या बेचा है, प्राइमली सोल्ड द यूनिट ऑफ रेट कितने में, एट ₹500। अब आप खुद मुझे बताओ कि खुद बताएंगे स्टूडेंट्स कि इसमें एक्चुअल लॉस या एक्चुअल गेन एज पर पॉइंट फोर क्या आप ऐड करोगे, और पॉइंट फाइव के हिसाब से आपको क्या चीज आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो पॉइंट चार के हिसाब से क्या एडजस्टमेंट बनेगा और पॉइंट पांच के हिसाब से क्या एडजस्टमेंट बनेगा, ये आप अब मुझे बताओगे, तब जाके मालूम पड़ेगा कि आपने पूरा का पूरा गेम पकड़ लिया है। जल्द से जल्द स्टूडेंट आप लोग अपना आंसर देंगे, सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे इस बात को लेके। 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, चार के हिसाब से क्या होगा और पांच के हिसाब से, सब लोग सोच के आंसर देना। चलिए स्टूडेंट्स आंसर देना स्टार्ट करेंगे सभी लोग। पॉइंट चार में, पॉइंट चार के हिसाब से अगर चले, इफ यू गो विथ पॉइंट फोर, तो एक्चुअल लॉस उसका क्या हुआ रहेगा बुक्स के हिसाब से, 500 एंड 400, 500 एंड 400, यही पर्टिकुलर पॉइंट उसने कंसिडर किया होगा, इजंट इट। तो यहां पे इन्होंने पॉइंट चार के हिसाब से ₹100, 500 माइनस 400 शैल बी एडेड बैक, शैल बी एडेड बैक बीइंग व्हाट द एक्चुअल लॉस, एक्चुअल गेन, सॉरी शैल बी रिड्यूस्ड, नॉट एडेड बैक, शैल बी रिड्यूस्ड being the actual gain as per the books, ठीक है। और पॉइंट पांच के बेसिस पे स्टूडेंट्स नोटिस करना क्या होगा, 500 पॉइंट पांच के बेसिस में एक्चुअल गेन जो अब लाना है आपने वो कितना लाना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आपका 500 लेस, लेस व्हाट, लेस दी
कैरिंग अमाउंट ऑफ दी शेयर्स, बताएं लास्ट कैरिंग अमाउंट क्या था शेयर्स का जो आपने कंसिडर किया था फॉर दी पर, वो जो आपका कॉस्ट कॉस्ट के रूप में क्या था वो कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट के रूप में क्या था वो कैरिंग अमाउंट, तो आप बताओ कॉस्ट के रूप में वो क्या था वो कैरिंग अमाउंट। प्राइमली आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, इस केस में 250 का कैरिंग अमाउंट क्या आपने उसे कंसिडर किया था इन योर बुक प्रॉफिट, एंड आंसर इज यस, दिस वॉज द कैरिंग अमाउंट। दूसरा बताओ यहाँ पे, जब एक्चुअली जब आपको एक्सचेंज जब हुआ था, वेन इट वॉज बिंग एक्सचेंज, क्या उस समय पे ये कैरिंग अमाउंट आपने कंसिडर किया था इन डिटरमाइनिंग योर बुक प्रॉफिट, एंड आंसर वॉज नो, क्योंकि ये 47 के अंदर ये एग्जेम्प्ट था। तो इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट, जो कैरिंग अमाउंट जिसके बेसिस पे एक्सचेंज किया गया था फॉर एंड विच वॉज रिकॉग्नाइज एज अ कॉस्ट वॉज 250, तो 250 ही आपको कंसिडर करना है, ना कि 400 रुपए। तो ये जो आपको लिखा गया ना, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, तो वो जो कैरिंग अमाउंट था जो एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज जो आपने कंसिडर किया था फॉर दी पर एज योर कॉस्ट वॉज 250, तो वो आप इसको ना समझे द फेयर मार्केट वैल्यू, जो आप बोलते हो ना फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि आप तभी क्या लेते थे 400, ये वो क्या लेना है द कैरिंग अमाउंट जो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया था फॉर द टैक्स पर्पस। तो कैरिंग अमाउंट जो टैक्स पर्पस के लिए आपने रिकॉग्नाइज किया था एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, तो कौन सा था वो कैरिंग अमाउंट ऑफ द शेयर्स जो आपने टैक्स पर्पस के लिए रिकॉग्नाइज कर लिया था, आपने रिकॉग्नाइज किया था 250। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द शेयर्स व्हिच वाज रिकॉग्नाइज फॉर टैक्स पर्पस, तो वो आपने 250 था, तो वो उसे ही कंसिडर आपको करना है। ये एफएमवी से आप मत कंसिडर करना, बहुत लोग स्टूडेंट्स ने इसको एफएमवी समझ लिया, द फेयर मार्केट वैल्यू, ये फेयर मार्केट वैल्यू कंसेप्ट नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट जिसको आपने टैक्स पर्पस के लिए कंसिडर कर लिया था एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज वॉज 250। तो यहां पे हम कॉस्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पे वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, द कैरिंग अमाउंट। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस है इसका, और इसी वजह से आपने इसमें क्या लेना है, कैरिंग अमाउंट लेना है 250 रुपए, और फिर अकॉर्डिंगली फाइनली ये 250 रुपए क्या करोगे आप, ये ऐड करेंगे एज द रियल गेन। अब जाके कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा पूरा पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर ये आएगा, अगर इसके चांसेस है स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन में, तो एमसीक्यू के लेवल पर है, ये एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर। दिस इज व्हाट आई सी आई कैन डू विद ऑल ऑफ यू। तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली किसने किया भी नहीं होगा, किसको आइडिया भी नहीं है, और इसको करने के लिए ये पहले तो आपको इंड एएस का 10th पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ इक्विटी का ही क्या करते हैं, प्राइमली हम लोग रियल गेन लेते हैं, क्योंकि आप केस स्टडी 1 आप केस स्टडी 2 दोनों को कंपेयर आप कर लो, आपको पता चल जाएगा। इन केस स्टडी 1 में हमने क्या किया था, बीच में जब जबकि उसको रिट का यूनिट नहीं मिला था, जबकि उसको रिट का यूनिट नहीं मिला था, तो वो शेयर इक्विटी शेयर्स का भी कैरिंग अमाउंट हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा पॉइंट नंबर 10 में ये कहा गया था कि इक्विटी को आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आपने इंड एएस के कॉन्टेक्स्ट में बुक प्रॉफिट के लिए उसे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, बुक प्रॉफिट के लिए ये कंसेप्ट नहीं करना है, फाइन। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जहां तक प्रेफरेंस शेयर्स की बात थी, उसको तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, उसको सुरक्षा कवच नहीं मिला है पॉइंट नंबर 10 का, तो क्योंकि उसको सुरक्षा कवच नहीं मिला था पॉइंट नंबर 10 का, इस वजह से हमने देखा यहां पे क्या देखा था, खुद ही देख रहे हो आप अपने सामने, देख लो अपने आंखों के सामने, प्राइमरी क्या हुआ था, इसकी कैरिंग अमाउंट की इसकी रिकॉग्निशन हो चुकी थी, तो कॉस्ट से कैरिंग अमाउंट की क्या रिकॉग्निशन इसकी हो गई थी, आंसर इज यस। तो 100 से 250, ये 150 का ये अल्टीमेटली इंपैक्ट आप खुद ही देख रहे हो अपने सामने, इजंट इट। और ये हो जाने के बाद फिर जब आप ईयर 2 में, ये जब होता ना प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर्ड टू रिसीव द यूनिट ऑफ रिट, तो उसमें पॉइंट नंबर 4 आपको बचा देता है, क्यों, पॉइंट नंबर 4 में बस इतना ही कहा गया है कि भाई कोई भी नोशनल सॉरी पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया, कोई भी शेयर्स ऑफ द एसपीवी, उसमें ध्यान रखना अगर आप चाहो तो 47-17 में जाके देख भी सकते हो, वहां पे शेयर्स में लिखा नहीं है इक्विटी और प्रेफरेंस, एनी शेयर्स ऑफ द एसपीवी के बदले अगर आपको क्या मिला है, क्या मिला है, द यूनिट ऑफ द रिट, तो उसमें 47 का एग्जेम्पशन है, और इसी वजह से आपको नोशनल गेन या फिर लॉस अगर उस समय पे होता है तो क्या वो बुक प्रॉफिट का हिस्सा होगा, नहीं होगा,
ठीक है, तो वो भी आपका इसमें पॉइंट नंबर चार बुक प्रॉफिट का ये बुक प्रॉफिट के इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट नंबर चार में प्रोटेक्शन है। और प्लीज बाद में आप इसको कंफ्यूज ना करना कि कैरिंग अमाउंट हमारा 400 हुआ, नहीं जनाब, कैरिंग अमाउंट फॉर टैक्स पर्पस जो कि आपका बना है ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज इज ओनली 250। जो कैरिंग अमाउंट जो आपका बना है फॉर टैक्स पर्पस ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज इज ओनली 250, 400 इज द फेयर मार्केट वैल्यू, इट इज नॉट द कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट जब बोलते हैं ना, तो फॉर टैक्स पर्पस कितना बना है आपका 250 रुपए। और फिर वो कैरिंग अमाउंट को आप क्या करोगे, जब आपने फाइनली यूनिट ऑफ रेट को बेचा है 500 का, 500 में, तो 500 को 250 के साथ कंपेयर करके बैलेंस 250 रुपए फिर वो जाएगा आपका, एड होगा, और आपका जो बुक्स में जो आपने जो इसकी एंट्री जो पास करवाई है, जो एक्चुअल लॉस या एक्चुअल गेन एज पर बुक्स जो है वो कितना हुआ होगा, 500 एंड 400, उसका डिफरेंस, तो 100 क्या होगा जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, ऐड होगा, और सॉरी लेस होगा, और जो आप ऐड करोगे वो आपका एक्चुअल गेन आप ऐड करेंगे जो कि 500 माइनस 250, दैट इज 250 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट प्राइमली ऐसा है कि अच्छे अच्छे इसके लिए मैंने चेतावनी दी थी ना, क्योंकि कोई ये करवाना भी नहीं, एक चीज क्या होता है ना कि घबराते हैं, और पहली बात ये कंसेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है, या तो छोड़ दिया जाता है, या फिर अगर कोई करने में तो स्टैट्यूटरी वार्निंग देके करते हैं, जैसे मैंने करवाया कि स्टैट्यूटरी वार्निंग पहले से दे दिया था कि भाई खतरनाक कंसेप्ट है ये, इसके लिए ना सिर्फ ऊपर तक ही करवा दो आगे निकल जाओ, लेकिन ये इसको छेड़ना, पहले तो बात इसका कंसेप्ट पता रहना चाहिए क्या है। आई होप दैट ये चीज़ है भारती, मुझे लगता है आपने शायद पहला सेशन देखा नहीं होगा, फर्स्ट सेशन अगर आपने देखा नहीं, जो स्टूडेंट्स पार्ट ए नहीं देखें उनको पार्ट बी ये वाला पॉइंट तो टफ लगा होगा, शायद आपने पार्ट ए नहीं देखा होगा इस वजह से। बाकी स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी है तो बता दो, अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, इसमें कुछ क्वेरी होगा तो स्टूडेंट्स बता दीजिएगा। ये बहुत ग्रेट कंसेप्ट है, डीप है कंसेप्ट, बिल्कुल सही कहा ध्रुव और दिनेश ने, श्रेया यस इट इज इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम इट इज अ डेंजरस कंसेप्ट एज वेल, इफ यू डोंट नो कि वहां पे 47.7 में वहां पे शेयर्स, क्योंकि मान लो 47 का पूरे एंट्री देख लो, वहां पे इक्विटी इक्विटी शेयर्स लिखा रहता सब जगह पे, अमालगमेटिंग कंपनी का मान लो अमालगमेशन में इक्विटी शेयर्स, सब जगह इक्विटी है, ये एक ऐसा एंट्री है जहां पे सिर्फ शेयर्स लिखा हुआ है, आप नोटिस करना, ये एक ऐसा एंट्री है, आप एक्ट में भी देख लो, ये एंट्री में आपको शेयर्स दिखेगा, शेयर्स, तो ये सिचुएशन आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना। 80 ध्रुव ने सही कहा, अब काफी स्टूडेंट्स इसमें ATU की एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाई भी हो गए होंगे, तो ATU के क्वालिफिकेशन भी उसके लिए इस कंसेप्ट द्वारा आपको मिल चुकी है, तो देखो लाभ मिल गया, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिला, ये नहीं मिल गया तो ATU मिल गया होगा, बस सर्टिफिकेट की देरी है, तो मैं सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में चले। भारती पार्ट ए पहले देख लीजिएगा, क्योंकि बेस हमने पार्ट ए में इसका डिस्कस किया था, क्योंकि इंडेस 10 हुआ नहीं था, इस वजह से ये पॉइंट को मैं छेड़ नहीं रहा था, इंडेस 10 का होना जरूरी था, क्योंकि ये कंपैरिजन तो इंडेस 10 के बाद, वो 10th पॉइंट जो है, 10th पॉइंट जिसमें इंडेस का अभी हमने किया था, तब जाके ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब लेट्स मूव फर्दर, MTP ले लें हम लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम MTP विच इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, फाइन। आइए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन वाली फाइल भी है इसमें, तो क्या थोड़ा टाइम अपना बच जाएगा, तो सॉल्व करना इसमें और टाइम लग जाएगा, ये सारी फाइल स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है, कल आपको दिलवा दी जाएंगी, द मैन आवर विच वॉज बींग स्पेंट इन मेकिंग द MTP एंड द सॉल्यूशन, बहुत ही अपने आप पे किताब है, समझ के चलो अपने आप पे किताब ही है, उतना टाइम लग गया, लेकिन इतनी बेहतरीन MTPs आपको इसके थ्रू से मिलेंगी। स्टूडेंट्स ये आपका MTP नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पे है शायद, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने वैसे 115 BAA का भी इफेक्ट दे रखा है, 115 BAA पता होगा आप लोगों को,
पता है कि नहीं, नया सेक्शन आया है 115BAA, तो 115BAA जो है प्राइमरी, उसका भी इफेक्ट इसके अंदर आपको मिल रहा है। अब ये क्या है 115BAA, हम लोग देखेंगे, नहीं आपन आज ही देखेंगे, तो ये आप आज ही देखेंगे, हम लोग संडे को देखेंगे, क्योंकि कल आपका एक अमेंडमेंट सेशन भी है, इजंट इट? तो उस वजह से संडे को क्या होगा, वी कैन लुक इनटू दैट। अगर आपको कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं देख लूंगा और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दूंगा। अभी मैट के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, प्लस आईसीआर का जो नया केस लॉ डाला था उन्होंने, मैंने बताया था आपको 54 सीरीज का एक केस लॉ आईसीआर के, अभी भी जो 10 या 7 या 10 केस लॉ जो भी डाले ना, उसका भी इफेक्ट मैंने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में डाल रखा है। तो आप सोच सकते हो कितना लेटेस्ट है ये क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। अनुस्तुप चंद्रा लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of April 2017, एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। तो स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर है, ध्यान रखना है, हमेशा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चीज को अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31st March 2020। ठीक है, देखो क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ₹77 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द आइटम्स लिस्टेड इन 2 and 6 बिलो। सो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ PNL इज रुपीज, तो आफ्टर कंसिडरिंग, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, इसको देखो हमेशा अंडरलाइन करके चलना है। पॉइंट नंबर टू, द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ विष्णु फूड्स एंड कंपनी एन AOP इन विच द मेंबर शेयर्स आर डिटर्मिनेट एंड देयर शेयर इन द प्रॉफिट आर क्लियरली नोन, द एंटायर इनकम ऑफ द AOP स्टूडेंट्स इज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर, द कंपनी हैज डिराइव्ड शेयर इनकम ऑफ ₹9 लाख फ्रॉम द AOP, द कंपनी हैज स्पेंट अ सम ऑफ ₹90,000 टूवर्ड्स अर्निंग सच इनकम। तो फिर बताओ स्टूडेंट्स, क्या इनको इस 9 लाख का जो कि क्रेडिट हुआ होगा, तो टेक्निकली ये डिराइव द शेयर इनकम 9 लाख का जो हुआ होगा, क्या उसका, ये तो एक बात है, फुल रिबेट मिलेगा 86 में, सो दे आर गोइंग टू गेट अ फुल रिबेट अंडर सेक्शन 86, इसन्ट इट? और अभी हमने देखा था हमने कि उस फुल रिबेट के चक्कर में क्या होगा, उसको ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा, इसन्ट इट? ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा, दैट इज हाउ इट वुड बी कंसिडर्ड। पॉइंट नंबर थ्री में आना, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अंडर 234B and C 62,000 ₹3 लाख एंड ₹5 लाख टूवर्ड शेयर इन द लॉस ऑफ द, सो प्रोवाइडेड फॉर प्राइमरी इनकम टैक्स ₹3 लाख एंड ₹5 लाख, तो ये एक पॉइंट हो गया, एंड ₹5 लाख, तो ये आपको खुद ही पता है कि ये क्या करना होगा, ये दोनों भी कंसिडर नहीं होंगे, isn't it? ये भी बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा। अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टूवर्ड्स द इंटरेस्ट टू अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ₹12 लाख, ऑफ दिस ₹4 लाख वॉज पेड, ऑफ दिस ₹4 लाख वॉज पेड ऑन 12th of December 2019 ओनली। क्या करेंगे इसका, वॉज पेड ओनली ऑन 12th of December 2019 ओनली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक्चुअली बुक प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो हमने ऐसा कोई एडजस्ट, 43B जैसा एडजस्टमेंट क्या बुक प्रॉफिट में है, 115JB के अंदर क्या 43B जैसा कोई एडजस्टमेंट है आपके सामने, देखा था आपने, ऐसा कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। सो देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ द नेचर ऑफ सेक्शन 43B इन 115JB कैलकुलेशन। तो भाई बुक प्रॉफिट में कुछ छेड़ना नहीं है। हाँ, अभी शायद टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर बोलेंगे आगे, तो फिर PGBP में आपको उसको छेड़ना पड़ेगा, PGBP में, ठीक है? तो आप बोलोगे कि भाई ये तो लेट हो गया पेमेंट, उस तरीके से, लेकिन बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में 115JB में कुछ नहीं करना आपने। पॉइंट नंबर 5, द कंपनी कमिटेड ब्रीच ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स व्हाइल एक्सटेंडिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग, द सिटी कॉर्पोरेशन इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी एंड द कंपनी सेटल्ड द इश्यू बाय पेइंग कंपाउंडिंग फी ऑफ ₹1 लाख, दिस अमाउंट फॉर्म पार्ट ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे दूंगा आगे चल के कि एग्जैक्टली क्या है। बुक प्रॉफिट में तो कुछ नहीं करना हमने,
बुक प्रॉफिट में ऐसा कोई है ही नहीं कंसेप्ट कि ऐड करना लेस करना, पूरा देख लिया था ना, ऐसा कुछ था इसके अंदर ये? लेकिन इसमें जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37(1) का, क्या वो एप्लीकेबल होगा या नहीं। लेकिन वो तभी हम देखेंगे जब हमें कॉम्प्यूट करना पड़ेगा द टोटल इनकम एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो वो देख लेंगे। अगर करना होगा तो फिर ये मुद्दा हमें वहां पे छेड़ना पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37(1). बट सो फार एज व्हाट, सो फार एज द इनकम टैक्स लॉ इज कंसर्न, सॉरी सो फार एज 115JB इज कंसर्न, नो इफेक्ट। पॉइंट नंबर सिक्स में आ जाओ। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस द कंपनी हैज डेबिटेड अ सम ऑफ ₹70,000 टुवर्ड्स फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। सो ये आपने फी पे किया स्टूडेंट्स, हैज डेबिटेड सम ऑफ ₹70,000 फाइलिंग ऑफ TDS अंडर 234E। मैंने आपको करवाया था 2 दिन पहले ही TDS का पेनाल्टी वाले चैप्टर में ये चीज आई थी। बताइए क्या आंसर दोगे, आप ही खुद बताओगे मुझे पॉइंट नंबर सिक्स को लेके। 2 दिन पहले ही हमने किया था इसको पेनाल्टी वाले टॉपिक में। जल्दी बताओ क्या हो गया। अभिषेक आपने क्वेश्चन पूछा है, फॉर अ सर्विस विच इज रेंडर्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन अमेरिका, तो ये अभिषेक आपका आंसर है नहीं होगा टैक्सेबल। अक्रू इंडिया में नहीं हो रहा तो फिर किस बात का टैक्सेबिलिटी होगा, टीडीएस वीडीएस नहीं लगेगा अभिषेक। वैसे अभी वो टॉपिक नहीं चल रहा है, लेकिन फाइनल आंसर आपका मैं बता देता हूँ, कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा जो आपने क्वेरी पूछा है, क्योंकि वो अमाउंट टैक्सेबल इंडिया में नहीं है। फी को क्या करोगे, क्या ये अलाउड है या डिसअलाउड है? मैंने क्या पढ़ा था आप लोगों को पेनाल्टी के वाले टॉपिक में? अरे कौन सा टैक्स, अच्छा ये बुक प्रॉफिट या आप टोटल इनकम के हिसाब से पहले मुझे बताओ, टोटल इनकम के हिसाब से मुझे बताओ आंसर। PGBP अगर मैं जब कैलकुलेट करूंगा अपने टोटल इनकम में, तो ये फी का मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैं PGBP कैलकुलेट करूंगा वाइल डिटरमाइनिंग माय टोटल इनकम, तो इस फी का क्या करना पड़ेगा मुझे? PGBP में अलाउड होगा जनाब, फी में देखो मैंने पेनाल्टी वाला PDF फाइल आपको दे रखा है, उसमें 234E का पॉइंट मैंने लिखवाया है आप लोगों को कि TDS स्टेटमेंट अगर लेट फाइल होगा तो उस केस में आप देखिए जहां पे जाके कि फी का ट्रीटमेंट क्या है, वो अलाउड है वहां पे, प्लीज नोट करना है वहां पे वो अलाउड है। क्या डिसअलाउड है? वो 271 प्राइमरी उसकी पेनाल्टी डिसअलाउड है, जो डिसअलाउड है वो पेनाल्टी 271H की, वो पेनाल्टी डिसअलाउड है वहां पे, वो डिसअलाउ किया गया। बट इफ इट इज ओनली अबाउट फी देन आई हैव मेड यू राइट दैट 234E के कॉन्टेक्स्ट में ये अलाउड है। बिल्कुल रिद्धि, तुलिका ने भी कह दिया, सब लोगों ने कह दिया। नियल पेनाल्टी नहीं, फिर फी की बात कर रहा हूं, फी की बात हो रही है। आईसीआई ने इस पे ये क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोग को पता ही होगा, आईसीआई हैज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी है। पॉइंट नंबर 8 में आ जाओ स्टूडेंट्स। द कंपनी हैज क्रेडिटेड ₹5 लाख टू अदर इन्वेस्टमेंट टू 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 द कंपनी हैज क्रेडिटेड ₹5 लाख टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन फेयर वैल्यूएशन।
सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंट नंबर सात बाकी है, पॉइंट नंबर सात बाकी है। द कंपनी हैज क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ रुपीज 10 लाख ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट अंडर इंड एस 16 एंड इंड एस 38 टू अदर इक्विटी। तो जनाब क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या इसे रिकॉग्नाइज की जाती है प्राइमली, क्या ये रिकॉग्निशन का हिस्सेदारी बनता है इन कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट? एंड आंसर इज नो, एंड आंसर इज नो। और ये बाय द वे ध्यान रखना, इसकी क्रेडिट हुई है इन अदर इक्विटी, तो हमें इसको वैसे भी अगर टोटल इनकम अगर कैलकुलेशन भी अगर करना पड़े, अगर टोटल इनकम की कैलकुलेशन भी करना पड़े, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुआ है। क्रेडिट कहां पर हुआ है? इन अदर इक्विटी। इसकी क्रेडिट जो की गई है वो अदर इक्विटी की तरफ की गई है, तो वैसे भी हमें कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब हम पीजीबीपी कंप्यूट कर रहे हैं तब। पॉइंट नंबर एट में, द कंपनी हैज क्रेडिटेड रुपीज 5 लाख टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन विच द कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट। सो कंपनी क्या है, किया है, हैज क्रेडिटेड रुपीज 5 लाख टू अदर ओसीआई ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स, बताइए जनाब ऐसे केस में क्या ये अदर ओसीआई में विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब वही है, विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अभी अभी हमने देखा था पॉइंट नंबर 10 में। तो क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रिवैल्यूएशन पे क्या ये 5 लाख का अमाउंट क्या क्रेडिट होगा? अगेन आंसर इज नो, नहीं होगा क्रेडिट स्टूडेंट्स, नहीं होगा क्रेडिट। तो पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट वॉज ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इन प्रीवियस ईयर 17-18। तो भाई आपने बताओ स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स अगर टोटल इनकम कंप्यूट करने की बात हुई, ईमानदारी से बताओ, अगर टोटल इनकम कंप्यूट करने की बात आई है तो उस समय पे क्या करना होगा? टोटल इनकम करने की बात आई होगी तो उस समय पे तो हमें ऐड बैक करना है 1.5 लाख रुपए। क्यों ऐड बैक करोगे 1.5 लाख रुपए? ऐड बैक इसके लिए करेंगे जब आपने 35AD का डिडक्शन ले चुके थे पहले, जब आपने 35AD का डिडक्शन ले चुके थे तब आपको फिर हम आपको क्यों देंगे पीजीबीपी में 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 32? नहीं मिलेगा डिडक्शन आपको। लेकिन बुक प्रॉफिट में क्या करूं? अगर बुक प्रॉफिट मुझे अगर कंप्यूट करना रहे तो इस एडजस्टमेंट को लेकर मुझे क्या करना होगा? आप मुझे बताओ बुक प्रॉफिट में मुझे क्या करना होगा? पॉइंट नंबर 9 के एडजस्टमेंट को लेके आपको ये बताना, जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे स्टूडेंट्स। बुक प्रॉफिट में स्टूडेंट ध्यान रखना है कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही, आप लोगों को ध्यान रखना है इन द बुक प्रॉफिट देयर वोंट बी एनी इफेक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो उन्होंने 1.5 लाख ही लिया होगा, उसको 35AD से थोड़ा कोई मतलब है। जब नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट होता है तो दे आर नॉट कंसर्न विद व्हाट इज हैपेंड विद 35AD। तो फिर एज फार एज द बुक प्रॉफिट इज कंसर्न, बताओ फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, एज फार एज बुक प्रॉफिट इज कंसर्न इन दिस सिचुएशन वी विल बी इग्नोरिंग दिस। एज फार एज द टोटल इनकम इज कंसर्न अंडर द एक्ट पीजीबीपी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एड बैक 1.5 लाख। पॉइंट नंबर 10 में आ जाइएगा, बिल्कुल प्रीति, पॉइंट नंबर 10 में आ जाइए। द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अंडर सेक्शन 73A ऑफ AY 1819 इज रुपीज 3 लाख। सो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अंडर सेक्शन 73A ऑफ AY 1819 इज रुपीज 3 लाख। तो ये आप लोग क्या करते हो, ये अंडर 73A, इट इज नॉट एज पर बुक्स, तो प्लीज आप मुझे इसका बुक प्रॉफिट में बताओ क्या इफेक्ट होगा। बुक प्रॉफिट में कुछ करोगे इस लॉस को लेके, ब्रॉडफोर्ड लॉस को लेके बुक प्रॉफिट में कुछ करोगे इस लॉस को लेके आप लोग?
बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कोई भी इफेक्ट इसकी नहीं ली जाएगी, कोई भी इफेक्ट स्टूडेंट्स इसकी नहीं ली जाएगी। वेरी गुड एंड वेरी ट्रू, नो इफेक्ट स्टूडेंट्स विल बी टेकन सो फार एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसर्न। और आखिरी में स्टूडेंट्स आ जाइएगा आप लोग पॉइंट नंबर 11 इस सिचुएशन में। पॉइंट नंबर 11, ₹5 लाख डेबिटेड टू फॉर एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता है 73A का मैं कोई भी इफेक्ट नहीं दूंगा, बुक प्रॉफिट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इनकम टैक्स में तो जाएगा PGAP कैलकुलेशन के टाइम पे, लेकिन जहां तक बुक प्रॉफिट की बात है उसके कैलकुलेशन में हमें जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस या UAD जो हम रिड्यूस करते हैं ना, वो एज पर बुक्स होता है, ना कि एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो हमें पूरी की पूरी तरह से उसको इग्नोर कर देना है। अब ये 5 लाख जो है वो बोला गया है टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही कहा। अगर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मैं चलूँ, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चलूँ तो 35 CCD का मुझे 150% देना होगा। 150% का केस है यहाँ पे, तो मुझे और बढ़ाना पड़ेगा 2.5 लाख का डिडक्शन। और अगर मैं 37(1) की अगर हम बात करें, सॉरी अगर मैं बुक प्रॉफिट की बात करूँ, बुक प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तो कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 12 जो है ना स्टूडेंट, वो केस लॉ स्पेसिफिक है। ये वाला पॉइंट है ना जो केस लॉ स्पेसिफिक है, इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर बाद करूँगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट इनकम टैक्स पेबल बाय द कंपनी फॉर AY 2021। द कंपनी इज एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंट कंपनी, ऑल्सो सजेस्ट वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ 115BAA। 115BAA, तो 115BAA मैं अभी नहीं छेड़ने वाला हूँ इस कंसेप्ट को प्राइमरी, क्योंकि जैसे कहा ना कि अमेंडमेंट के सेशन में आपका ये हो के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके हाथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखा गया है जो कि आपको नहीं मिलेगा कहीं। आइए देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। पहले तो टोटल इनकम, तो स्टूडेंट्स आई थिंक अब ये वैसे तो ये मैनेजेबल है इस चीज में लेके, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सॉल्यूशन तो स्टूडेंट अब ये रेडी है, आप लोग सॉल्यूशन इसका पढ़ लेना। मैंने जो डिस्कस तो कर लिया की पॉइंट्स, मैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन में जो करना है आप लोगों से, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो करना है, ये मैंने डिस्कशन तो वैसे कर लिया आप लोगों से, बस एक जो लास्ट डिस्कशन मुझे करना है वो इसका करते हैं 12th। ये सॉल्यूशन वैसे कल मैं आपको दे रहा हूं, ये 12th पॉइंट देखना आप लोग स्टूडेंट्स। ये अमेंडमेंट वाला एक बार डिस्कस अपन करते हैं साथ में। The company sold its land and has credited to its profit and loss account ₹15 lakhs, being the difference between sale price and the carrying amount as on the 31st March 2019. आप ध्यान रखो जो लैंड है ना, लैंड उस पर भी इंडेस का वो जो आपके पास है एक 16:38 और एक है इंडेस 100 कुछ, तो उसके अंदर लैंड भी कवर्ड है अगर बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है तो बिजनेस पर्पज के लिए है स्टूडेंट, तो वो लैंड कवर हो जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना ठीक है। तो द कंपनी सोल्ड इट्स लैंड एंड हैज क्रेडिटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹15 लाख, तो क्रेडिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 लाख, बीइंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट सेल प्राइस एंड द कैरिंग अमाउंट। आप मुझे बताओ क्या ये सही है? अगर हमने क्या देखा, अगर वो एसेट पे जो रिवैल्यूएशन होगा वो हमें उसको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी ओनली एट द टाइम ऑफ इट्स रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, ठीक है। तो हमें ये जो आपने किया है सेल प्राइस को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर जो कर दिया है और 15 लाख का आपने ये किया है, क्या ये सही है? नहीं है, तो आपने इसको क्या करना है, एडबैक कर देना है बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, इसको एडबैक कर देना, मानते हो ना? क्योंकि हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है, हम सेल प्राइस को कंपेयर करेंगे विद व्हाट, विद द एक्चुअल कॉस्ट। तो देखते हैं इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है। द लैंड वॉज सोल्ड ऑन 1/10/2019 for ₹50 lakhs, whereas it was acquired on 1st of Jan 2017 for ₹30 lakhs. तो स्टूडेंट्स क्या ये लॉन्ग टर्म है? इज दिस अ लॉन्ग टर्म एसेट? बताइए जल्दी से। 1 अक्टूबर 2019 और 1 जनवरी 2017, क्या ये अपने आप में लॉन्ग टर्म हुआ? एंड द आंसर इज येस, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि 2 साल की पीरियड ऑफ 24 मंथ की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं हम लोग, वी लुक इन टू 24 मंथ पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म होने पर जब बुक प्रॉफिट की बारी आएगी और जब हमें कंपेयर करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस विद द एक्चुअल कॉस्ट, तो क्या वो कॉस्ट को हम इंडेक्स्ड करने वाले हैं? जब बुक प्रॉफिट में हमें पता लगाना है कि हाउ मच इज द अमाउंट दैट हैज टू बी एडेड टू द बुक प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस को हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? विल इट बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट और द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? किसके साथ कंपेयर करेंगे? सारे स्टूडेंट्स के आंसर आनी चाहिए तुरंत के तुरंत।
किसके साथ कंपेयर होगा, जब बुक प्रॉफिट में हमें लेना है ना, कंपेयर करना पड़ेगा और वो डिफरेंस को बुक प्रॉफिट में डालना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट या सेलिंग प्राइस एंड और इंडेक्स कॉस्ट किसको कंपेयर करके हम वो डिफरेंस को बुक प्रॉफिट के अंदर डालेंगे, ये क्वेश्चन है आपसे, तुलिका का आंसर आ चुका है बाकियों का। श्रेया ने भी आंसर दिया, नेहल, ध्रुव, रिद्धि, मैं बुक प्रॉफिट की बात कर रहा हूं सुनिंदा, ध्यान रखना जब भी आंसर देने के पहले। दिनेश का भी आंसर आ चुका है, तानिया का भी आंसर आ चुका है, एक्चुअल कॉस्ट ही आप कंसीडर करेंगे, अगर टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हो तब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके आपको एलटीसीजी निकालना है, लेकिन यहां पर जो होगा, यहां पर अकाउंटिंग की बातें होती हैं, चर्चाएं होती है, यहां इंडेक्सेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आपका, लॉन्ग टर्म जो होगा बुक प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में कितना है, 50-30 लाख, सॉरी 30 लाख, और डिफरेंस आपका लॉन्ग टर्म जो बनेगा, लॉन्ग टर्म गेन कितना बनेगा, 20 लाख, 50 माइनस 30, दैट इज 20 लाख। आगे देखो स्टूडेंट्स, ऑन 1 फरवरी 2020 इट इन्वेस्टेड ₹12 लाख इन NHAI बॉन्ड, उसमें आगे CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 इज 289 एंड ऑफ 1617 इज 264, तो आपको ये क्या होगा, इट इन्वेस्टेड ₹12 लाख इन NHAI बॉन्ड में, ये है, और CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये होगा, तो ये तो चलो ठीक है, ये CII का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमें सिर्फ टोटल इनकम में जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हमें इसको इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पर आपने इन्वेस्ट करके क्या किया, 54EC में इसको एग्जेम्प्ट करने की कोशिश की है, 54EC में आपने क्या किया, एग्जेम्प्ट किया है 12 लाख को, आपने ये करके 54EC में एग्जेम्प्ट किया है, तो टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट कर रहे थे उसमें जब LTCG था तो उस LTCG में आपने 54EC का एग्जेम्पशन 12 लाख का दे दिया है, ठीक है। बुक प्रॉफिट में आपने कितना लिया है, 20 लाख, बुक प्रॉफिट में आपका कितना LTCG बना है, 20 लाख, कैसे 20 लाख बना है, 50 माइनस 30, तो वो LTCG ऑफ 50 माइनस 30 जो 20 लाख है, क्या उस पे आप ये 12 लाख का एग्जेम्पशन दिलवाओगे, क्या उस पे आप ये 12 लाख का एग्जेम्पशन दिलवाओगे, इन कैलकुलेटिंग व्हाट योर बुक प्रॉफिट, इन कैलकुलेटिंग योर बुक प्रॉफिट। तो देखिए जनाब, कॉम्पिटिशन ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर 115JB फॉर AY 2021, ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन ICAI ने पिकअप किया स्टूडेंट अपने किताब में, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग इस केस लॉ से सहमत नहीं हूं, अब मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि ICAI ने डाल रखा है अपने लिस्ट के अंदर, आपको चलना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, आपको डिग्री प्यारी है, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, इसके लिए मैं डेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं इस केस लॉ पे, लेकिन हाँ उसकी इफेक्ट कैसे आएगी आपको वो पता रहना चाहिए, प्रैक्टिकल लेवल पे इसकी इफेक्ट कैसे दिखेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो ठीक है, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड विच वॉज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने बताया कि जो क्रेडिट किया, क्योंकि उन्होंने कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया रहेगा इन द बुक्स, कैरिंग अमाउंट का था 15 लाख का, तो वो आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आपको वो पॉइंट नंबर 10 के हिसाब से क्या बुक करना है कि आपने डिस्पोजल के टाइम पे ही क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे विद दी कॉस्ट, और वो डिफरेंस को आपको बुक प्रॉफिट में रखना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, जो कि मेरा आ गया 20 लाख, 20 लाख मेरा यहाँ पे बन गया, माइनस दी एग्जेम्पशन अंडर 54EC, और कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने 12 लाख का, तो कितना आ गया 8 लाख, कितना आ गया ये 8 लाख, ठीक है। अब केस लॉ क्या ICAI ने यूज किया, देखो, मेटल एंड क्रोमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड मद्रास हाई कोर्ट, और क्या कहता है ये केस लॉ, द हाई कोर्ट अफर्म द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल होल्डिंग दैट कैपिटल गेन्स व्हिच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द SSE कंपनी, सो द हाई कोर्ट अफर्म द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल होल्डिंग दैट कैपिटल गेन्स व्हिच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट, जो कैपिटल गेन्स आपका नेट प्रॉफिट का हिस्सा है, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द SSE कंपनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एग्जेम्पशन अंडर 54EC इज अवेलेबल वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट,
वो उतना हिस्सा प्रॉफिट का वो आप कंसिडर नहीं करेंगे किसमें, इन कॉम्प्यूटिंग ऑफ बुक प्रॉफिट। एक्चुअली मुझे लगता है ना, ये जो इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजन किया है, हम एक्चुअली किसे कंसिडर नहीं करते हैं मालूम है, एग्जेम्पशन कंसिडर नहीं होती है, बात सही है, लेकिन जो मेरा आपत्ति है वो किस पर है, सेक्शन 10 को लेके। वो सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन को हम कंसिडर नहीं करते इन डिटरमाइनिंग आर बुक प्रॉफिट। 54 का तो रेफरेंस दिया ही नहीं है, वो जो स्पेसिफाइड एड और स्पेसिफाइड लेस में प्राइमली 54 का रेफरेंस तो दिया ही नहीं है। तो 54 का रेफरेंस जब दिया नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि वही 54EC वाला जो हिस्सा है प्रॉफिट का, उससे भी आप बुक प्रॉफिट में कंसिडर नहीं करेंगे। आप जो सेक्शन 10 वाला जो है हिस्सा प्रॉफिट का, जिसको स्पेसिफाई किया गया 115JB में, उसे ही आप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन 54EC का तो रेफरेंस दिया नहीं है। अब कोई स्टूडेंट बोल सकता है, लेकिन सर दोनों तो एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन ही है। अरे भाई, अगर एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन ही है, तो फिर आपको और भी चीज का फिर मिलना चाहिए बेनिफिट। मैं 115JB में तो भाई जो स्पेसिफाइड ऐड होता है, स्पेसिफाइड लेस होता है, आपने बस उसी को कंसिडर करना है। ये नहीं कोई सोचता है कि भाई एग्जेम्पशन है तो भाई ब्लैंकेटली जो लिखा नहीं गया है उसे 115JB में कंसिडर नहीं करते। इसी वजह से इनकम टैक्स भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है, ये उन्होंने बताया आपको डिफाइन करके, नहीं तो अदरवाइज उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से मैंने कहा है कि भाई जो एग्जेम्पशन वाली प्रॉफिट, जिसको हम बुक प्रॉफिट में कंसिडर नहीं करते, उसमें उन्होंने सिर्फ सेक्शन 10 का ही रेफरेंस अगर दिया है, तो फिर 54 का आपने क्यों यहाँ पे कंसिडर किया। ये मेरी आपत्ति है इस जजमेंट से मद्रास हाई कोर्ट का। तो यहाँ पे लेकिन ICR ने इसको कवर करवाया है, तो आप भी इसको प्रणाम करके चलना और ऐसे इफेक्ट देना जैसे मैंने दिया है। तो इसमें आपने क्या है स्टूडेंट्स, 8 लाख को आपने माइनस करना है, जिस तरीके से ये केस लॉ का इफेक्ट है, ICR ने जो कवर कर रखा है अपने लेटेस्ट सेगमेंट में। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस व्हाट द एग्जेम्पशन अंडर 54EC। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन भाई ठाकुर लिखा नहीं है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपने एग्जेम्पशन कहाँ लिखा हुआ है। तो एग्जेम्पशन जो होता है, ये जो एग्जेम्पशन वाली जो बात है, ये थोड़ी ना प्राइमरी, आप सोचो नोटिस करो, एग्जेम्पशन क्या नेट प्रॉफिट में आता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से कम करते हो, ड्यू रिड्यूस इट फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट, नहीं करते। तो वो तो आपका बैलेंस शीट वाला हो गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक, तो वो तो आपका इसमें नेट प्रॉफिट में तो आता नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, वो तो नेट प्रॉफिट में एग्जेम्पशन आता नहीं है एज पर बुक्स। अब आती है बात किसकी, आती है स्पेसिफाइड एडिशंस एंड स्पेसिफाइड डिडक्शंस की इन 115JB। तो अब आप नेट प्रॉफिट में तो 54EC का एग्जेम्पशन नहीं आएगा, तो अब अगर आपको 54EC का इफेक्ट दिलवाना है नेट प्रॉफिट में से, तो आपको स्पेसिफाइड ऐड एंड स्पेसिफाइड लेस का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जो 115JB में लिखा है। तो पूरा जो स्पेसिफाइड ऐड और स्पेसिफाइड लेस जो दिया है 115JB में, कहीं पे भी क्या 54EC का उन्होंने रेफरेंस करके दिया है, कहीं पे भी क्या 54EC का उन्होंने रेफरेंस करके दिया है? द आंसर इज नो, दिया ही नहीं है। 10 का दिया है, 54EC का नहीं दिया है। तो एग्जामिनेशन में आ जाओ तो लिख देना, ये मत बोलना कि सर ने दोपहर के टाइम पे क्लास ले रहे थे, 15 तारीख का दिन था शुक्रवार, और उस समय पे आपत्ति जाहिर की गई थी, ये मत लिख कराना। ठीक है, तो प्राइमली आपने बस उतना ही लिखना है जितना आपको प्रेजेंटेशन में दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही करो दिनेश, चांसेस बहुत ज़्यादा है ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से ओवर रूल हो जाएगा, बट अभी तो आपको कमाने हैं मार्क्स इस सिचुएशन में। बिल्कुल ठाकुर, तो ये है स्टूडेंट, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया, बाकी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, तो देर इज नो सच थिंग 115BAA। ये कल की लेक्चर आपकी हो जाए ना, तो एक बार असेस कर लेंगे, और बाद में अगर चाहिए तो डिस्कस कर लेंगे। वैसे कल आपके पास ये फाइल आ भी जाएगा, बस आप टेलीग्राम चैनल में बने रहिएगा, सारे फाइल्स मौजूद होंगे, एक बार देख लेना। बाकी मैंने ये डिस्कस कर लिया है आपके साथ, ये सारे एडजस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे, अच्छा ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट था स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, कंपाउंडिंग फी फॉर वॉयलेशन ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स, देखा आपने, ये डिसअलाउड हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन 2371। सो दिस इज एज पर व्हाट, एक्सप्लेनेशन 2371। ठीक है, सो
द कैरेक्टर ऑफ पेमेंट विच इज इन द नेचर ऑफ पेनाल्टी, पेनाल्टी का रूप लेगा। तो जब एक्सप्लेनेशन टू 37(1) की बारी आएगी तो डिसअलाउड है, फाइन। 115JB की अगर हम बात करें, 115JB की अगर हम बात करें तो वहां पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन टू 37(1) जब PGBP कॉम्प्यूट की जा रही है तो ये डिसअलाउड है। उसी तरीके से फी फॉर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ TDS, जो मैंने बताया ना आपको, क्या उस फीस का क्या कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अलाउड होता है डिडक्शन, फी जो है वो अलाउड होता है। 271H की जो पेनाल्टी जो हमने करवाई थी, जो आपके स्लाइड में भी मैंने दिया है, जरा देख लेना आप लोग, पेनाल्टी वाली स्लाइड में देख लो, तो वहां पर आपको उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पेनाल्टी वाली जो स्लाइड है उसमें, सॉरी, उसका आपको डिसअलाउ हो जाएगा, फी का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी तो स्टूडेंट्स आपने डिस्कस कर लिया है, सो आई थिंक दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। सो ये पूरा पूरा चीज कंप्लीट हो चुकी है इस कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट विल बी कंसिडर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरी मुलाकात स्टूडेंट्स होगी आप लोगों से, कब होगी? संडे के दिन होगी। संडे के दिन स्टूडेंट्स जो मेरा सेशन होगा आपके लिए लास्ट होगा, 8 AM को होगा ये, 8 AM से लेके 1 बजे तक। तो उसमें आप कितने लोग जो न्यू कोर्स वाले बच्चे हैं ये भी जरा बता देना अभी चैट में, तो मुझे भी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अदरवाइज पता नहीं चलता है। तो क्योंकि मैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक करने वाला हूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का, तो आप मुझे एक बार उसकी बता दें। 8 बजे से लेके 1 बजे तक संडे, दैट इज डेट है 17 तारीख, 17th। सो 17th है, 17 मई 2020, ठीक है? नहीं, पहले तो सारे ओल्ड और न्यू होगा, पहले 8 AM से लेके 10:30 AM तक ओल्ड एंड न्यू, 10 o'clock तक पकड़ के चलो। मैं प्रैक्टिकल कुछ करवाऊंगा आपको, जो बताया ना प्रैक्टिकल करने हैं अपने ओल्ड एंड न्यू, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? और फिर 10:30 से लेके से 12:30-1 बजे तक ये सिर्फ न्यू कोर्स वाले बच्चे ही बैठेंगे, ठीक है? ठीक है, तो जो ओल्ड कोर्स वाले बच्चे वो और न्यू कोर्स वाले बच्चे वो 8 से 10 या 10:30 जो भी होगा प्रैक्टिकल के लिए हाजिर हो जाए, क्योंकि मैट की पेनाल्टी के साथ 270 है, मैट का फॉरेन टैक्स क्रेडिट के साथ, और प्लस कुछ और भी मैं आपके साथ कंपनी असेसमेंट को लेके 115BAA अगर उसकी कोई चर्चा हमें करनी रहेगी प्रैक्टिकल लेवल पे, तो वो भी मैं करवा दूंगा आपको, ताकि क्या हो जाए वो भी कंप्लीट हो जाए। और अगर कुछ और अगर आपको ये चीज होता है तो फिर वो बता देना, तो मैं उसको करवा दूंगा आपको कुछ और बाद में। गार भारती जो गार का है ना, वो अगर चाहिए तो मेरे यूट्यूब में वैसे मैंने लेक्चर डाल रखे हैं यूट्यूब में, तो आप जनरल एंटीबॉडीज रूल का तो वही लेक्चर देख लो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नोट्स चाहिए रहेगा तो फिर मैं आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दिलवा दूंगा, वो मैं गार का मैं करवा सकता हूँ, वो तो वैसे ही यूट्यूब में है पड़ा हुआ है प्राइमरी, तो वो लेक्चर आप देख लो। चलिए, थैंक यू तानिया, थैंक यू ध्रुव। थैंक यू स्टूडेंट्स, जिसने पार्ट ए देखा नहीं पहले देख लें, क्योंकि वो जो अभी हमने डिस्कस अभी भी जो किया था वो बहुत ये था। आपके TDS के लेक्चर एप्लीकेबल है क्या अटेम्प्ट के लिए? बिल्कुल एप्लीकेबल है, TDS के लेक्चर बिल्कुल एप्लीकेबल है, वो अभी के लिए तो मैंने बनाया था। अशोका कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स के लिए देखो टाइम मुझे निकालना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स पे कोई स्पेसिफिक अगर हो तो बताइएगा, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करूं, मतलब कि पूरा टाइम अपने को लगेगा ना, नहीं तो कैपिटल गेन्स के लिए। आप ऋषिकेश जी को एक बार ये कम्युनिकेट करवा दीजिएगा ग्रुप में या कुछ भी स्पेसिफिक पॉइंट को लेके, तो मैं उतना एरिया क्विकली कुछ अगर चाहिए तो एक दिन एक्स्ट्रा और लेके कंप्लीट कर लूंगा। दिनेश, एक तो हिंदी में है और एक इंग्लिश में है, दोनों में कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है, अमेंडमेंट तो हुआ ही नहीं है। भारती सर आपके टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, भारतीय टेस्ट ये तो MTP ये तो टेस्ट सीरीज है एक तरीके से, आपको यही सॉल्व करना है।
यही आप 2 बार करो स्टूडेंट्स, और नहीं आप कुछ करना आपने, बस सॉल्व करो। आज सुबह को जैसे लेक्चर हुआ था ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी यहां पे चैट बॉक्स में कैसे पूछूं एक्चुअली। हाँ कैपिटल गेन्स इसके लिए थोड़ा सा इजी है, ये बहुत ये टेक्निकल थे सब सबके सब, इस वजह से। नेहल क्या टॉपिक आपको यूट्यूब में डालना है? देखो अब मैं यूट्यूब में अपने वाले में क्या करवाता हूँ वो भी बता देता हूँ। मैं एमटीपी के सारे जो होंगे, ये सारे एमटीपी, उसमें मैं एमटीपी के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? और शायद मैं वहां पे लाइव आ जाऊँ, ठीक है? तो एमटीपी के सॉल्यूशन को मैं डिस्कस कर सकता हूँ प्राइमली अपने यूट्यूब चैनल पे, तो दैट इज वन थिंग। तो वहां पे आप लोग को एक तरीके से प्रैक्टिस, ये सारे प्रैक्टिकल आप लोग बोल रहे थे सब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, तो कैपिटल गेंस वहां पे सीख लो, और जो भी रहेगा वो आप लोग वहां पे जल्दी से एक बार समझ लो। तो हर एक एमटीपी को लेके हम लोग 3-3 घंटे इन्वेस्ट करेंगे, तो प्राइमरी आपका वहां पे अच्छा खासा एक वो हो जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। भारती पहले एमटीपी के सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लो वो वाली चीज को, तो उसके अंदर ये सारे निटी ग्रिटीज डिस्कस हो जाएंगे। लाइव होगा अशोका चैनल पे, लाइव होगा, एंड दिस चैनल विल बी आई विल बी गिविंग यू द टाइम टेबल टुमारो। इन टुमारोज एमटीपी यू विल बी गेटिंग कि नेक्स्ट वीक में कब कब मैं आके ये लेक्चर्स लूंगा, यू विल कम टू नो ऑन द एमटीपी। सो इन ऑल देर आर 7 MTPs, सो आई विल लेट यू नो विच आर द डेज वेन आई विल बी कमिंग टू टेक द लेक्चर्स ऑन दीज एमटीपी। सो ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन बी देयर। आपको पीडीएफ में टाइम पता चल जाएगा, कल वाला जो है ना एमटीपी के जो पीडीएफ है, कल जो आपको मिलेंगी उसी में टाइम आपको पता चल जाएगा। आई विल बी अनाउंसिंग इट द टाइम व्हेन आई विल गो लाइव फॉर ईच एमटीपी। शेख लुबना ने बोला सरोगेट टैक्सेस। सरोगेट टैक्सेस में शेख लुबना व्हाट आई कैन डू, हम लोग संडे को डीडीटी पे फोकस कर लेते हैं। रिट पे तो मैंने आज लगभग बहुत डिस्कशन कर लिया, इजंट इट? सो वॉट वी कैन डू इज दैट वी कैन फोकस ऑन डीडीटी। तो डीडीटी में अगर चाहो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, आने के इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डीडीटी आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, ये इसका टेंशन निकल जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि बाकी देखो तो ज्यादा टेक्निकल डीडीटी है, रिट है, एक और एक है आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल के रखा है इसी एमटीपी में, अगर आप देखोगे तो आईएफएससी का मैंने क्वेश्चन डाल के ही रखा हुआ है, और इसी वजह से क्या होगा मालूम है, ये मैं वैसे ही इसको, और ये ऐसा बाउंसर गया स्टूडेंट्स लोगों को, बड़े हिल गए वो लोग। और आईएफएससी स्टूडेंट्स इतना अटेम्प्ट हो, इतना टाइम हो चुका है, इस बार आईएफएससी का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं आईएफएससी को लेके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को लेके, कि मुझे बहुत एक बड़ा गट फीलिंग है कि आईएफएससी पे क्वेश्चन आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपकी गट फीलिंग है, लेकिन ऐसा थोड़ा होता कि आता ही है, तो आपको बता दूं कि भाई मेरा स्ट्राइक रेट 90% रहता है हमेशा, जो लगता है ना बहुत स्ट्रांगली मैं कुछ फील करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। और वैसे मेरी कुंडली में भी लिखी हुई है, कुंडली में क्या लिखी हुई है कि जो मुझे आगे का दिख जाता है, ऐसा कुंडली में लिखा हुआ है। तो आप चांस ले लो, आप लोग कोई नहीं, हम भरोसा नहीं करते, मत करो फिर, मुझे जो बोलना था बोल दिया, अब आप पर डिपेंड करता है आपको भरोसा करना है या ना करो, चांस लेके देखते क्या होता है, इज़न्ट इट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो कहाँ तो है, अभी ढूंढते हुए कुछ कहीं तो है, वो देख लेंगे अपन, ठीक है? तो संडे को मैं एक बार डीडीटी कोशिश करता हूँ आपके साथ आने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन है कि संडे को अपन मिलते हैं, अपन मैं देखता हूँ वो प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको, और प्रैक्टिकल करवाने के बाद आपको और एक साथ साथ मैं क्या करवा दूंगा, डीडीटी करवा दूंगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आप लोगों ने किया भी होगा एक बार, कर लेते तसल्ली के लिए, क्योंकि इस बार थोड़ा क्रिटिकल है, ज़्यादा उसके चांसेस है आने का, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर गुड विशेस एंड डू वेल एज वेल, ठीक है? तो अब मिलते हैं फिर संडे को 8 o'clock को, 8 to 10:30
सारे लोग मिलेंगे 10:30 के बाद, 11 to 1, 2 घंटा ही चाहिए मुझे थियरी डिस्कस करनी है न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं, वो नहीं बताया जाता, गैस पेपर नहीं बताया जाता, जो भी है सारे MTP गैस पेपर मान के चलो, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, जो भी चीज़ें हैं दांव पेज जो खेलनी थी मैंने अपने साथ MTP में खेल लिया, तो जितने दांव पेज खेलना था यहाँ पे कर दिया, इसी को 2 बार कर लें वही बड़ी बात है। तो MTP के वीडियो के टाइम पे क्या होगा, हो सकता है कि आप लोग बोलेंगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो वीडियो के टाइम पे मैं आपको असिस्ट कर दूंगा, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना, अभी क्या हो गया ना, हमने डिस्कस कर लिया, अब आपको बस नज़र आपने घुमा दिया ना इस क्वेश्चन पे, आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा पूरे सोल्यूशन गो थ्रू करने में, मानते हो इस बात को, क्योंकि आपने एक बार उसको हैंड होल्डिंग करवा दिया है। लाइव ही करूंगा भारती, आई विल बी डूइंग इट लाइव, बट सोल्यूशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई विल बी डिस्कसिंग इट इन इंग्लिश सोल्यूशन, क्योंकि वो सिखा नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ सोल्यूशन, सो आई विल बी डूइंग इट इन इंग्लिश फॉर देर इज वन रीजन दैट देर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर ऑल्सो वॉन्टेड टू एसोशिएट, ये सेशन में तो नहीं आ सकते थे क्योंकि ये तो हिंदी में था, और प्रॉब्लम क्या है ना कि समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जब सोल्यूशन में जब डिस्कस करूँगा सोल्यूशन, आई विल बी डूइंग इट इन इंग्लिश, तो ये चीज़ है बस आप लोग, ताकि वो भी बच्चे लोग को पता चल जाए एक बार, क्योंकि दो दो बार करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो दिस ऑल द सोल्यूशन स्टूडेंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस वुड बी डिस्कस्ड इन सिंपल इंग्लिश, बिकॉज एनी वे द प्रोविजन्स आर नोन टू ऑल ऑफ अस, ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू नो हाउ टू अप्लाई द प्रोविजन, सो दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डू, एंड वंस आई हैव डन दैट एज आर टू एज वी हैव जस्ट नाउ सीन, इट बिकम्स वेरी इजी टू क्विकली रेफर एंड फिनिश इट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो ये करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कल नहीं होगा भाई, कल तो मैं आपको PDF दूंगा, कल आप लोगों को PDF दी जाएगी, MTP की वीडियोस कब मैं लाइव आऊंगा उस PDF पे मैं लिख दूंगा, कल मैं नहीं आ रहा लाइव प्राइमरी, कल मैं सिर्फ आपको PDF दे रहा हूँ, ग्रुप में भी सब में दे दूंगा, और कब मैं लाइव आऊंगा अपने चैनल के जरिए, तो वो मैं आप लोगों को PDF में वो टाइम टेबल उसका दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू श्रेया, थैंक यू। अदर सब्जेक्ट अर्थ, देखिए अर्थ मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बोलता हूँ, ये मैंने खुद, हम बहुत मेहनत से बनी है PDF, ये जो MTPs है, अब बाकी लोगों ने कितना टाइम दिया है अदर सब्जेक्ट्स के लिए, मैं किसी का वाउच तो नहीं कर सकता, कुछ गारंटी तो मुझे नहीं पता है ना कि कितना है, तो बस एक बार चेक करना पड़ेगा कि इतने MTPs है कि नहीं। महेश सर का, हाँ बस महेश सर ने शायद, मुझे लगता 3 उन्होंने बनाया है MTPs, 3 क्वेश्चन पेपर है, बट पूरे 8 का मुझे आइडिया नहीं है, महेश सर का मुझे पता है क्योंकि इनफैक्ट वो काफ़ी हम लोग अनफॉर्चुनेटली वी वर सपोज टू बी गोइंग अक्रॉस, हम लोग MTP बनाने के लिए हम लोग निकल भी रहे थे टूवर्ड्स द हिमाचल एंड ऑल, अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस में हम लोग ट्रैवल भी नहीं कर पाए, तो उनका मुझे पता है कि उन्होंने बनाया है, तो IDT आई कैन टेल अबाउट महेश सर, लेकिन मुझे बाकियों का आइडिया नहीं है कि सब लोगों ने किया क्या MTP के लिए, जो टाइम इन्वेस्ट करना, ये हालत ख़राब हो गई थी, पहले तो बनाना और फिर उसका सोल्यूशन सेट करना, सो आई एम नॉट अवेयर, इनफैक्ट आई कैन नॉट टेल। देखो नहीं तो होगा क्या ना, 5 तरह का पेपर ही चिपका दिया, इसमें आपको फील नहीं आएगी, कुछ है 10% का केस है जो आपको पता चलेगा कि 5 तरह का है इसमें, लेकिन अदरवाइज यू नॉट गेट अ फील कि 5 तरह का ऐसा चिपकाया जा रहे हो और वही अल्टीमेटली कट कॉपी पेस्ट कर किया, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, अगर लगे पता चलेगा पोल, ये होता है ना अभी करने में क्यों फायदा होने, टाइम आपके पास है, ये अगर यही जून में आ जाए ना, जून 10 के आसपास आप देखोगे भी नहीं इसको, अभी करके ख़त्म कर लो, आपके पास बोलते हैं कि 2 महीने रहते ही यू विल डू इट एंड यू विल रैप इट अप, लेकिन बाद में ये चीज़ होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सो दैट इज वॉट आई कैन जस्ट से, लास्ट डे में सब रिविजन ना हो पाता, प्लीज़ गिव अस क्विक टिप्स टू रिवाइज, तो अजय ये मैं उसके लिए ABC का एक वीडियो बनाऊंगा जून एंड में एक ABC की वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये तो आप वही करोगे जो लास्ट डे करना वो वही करके रखोगे, तो वो अभी नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजी ऑफ योर रिविजन कैसे होगी, आप किस तरीके से क्या चीज़ को क्या रिवाइज करोगे, वो जून एंड के टाइम पे आपको बताया जाएगा, नॉट राइट नाउ, यू डू राइट नाउ, जितना आपको जैसा करवाया गया वैसे ही करते रहो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बस वही करो, जून एंड पे जब लास्ट मंथ आता है तो उस लास्ट मंथ पे अब मुझे वाइंड एक बार आपको वाइंड अप करना है, कौन से टॉपिक को कहाँ से करोगे, कितना करोगे प्राइमरी, वो ABC के वेटेज के हिसाब से आप लोग उसको देख लेना, बिल्कुल भारती कर लेना जरूर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर अब मैं क्लोज करता हूँ, और मिलेंगे हम लोग कब,
संडे को एट 8 o'clock। सो आई सी यू ओल्ड और न्यू कोर्स सारे स्टूडेंट्स संडे 8 o'clock, 8 to 10:30। देर आफ्टर न्यू कोर्स स्टूडेंट्स 11 to 1। चलिए मिलते हैं फिर संडे को। सी यू देन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।